फिर पीछे पछताएगा जब भैंस खा गई घास। बहनों और भाइयों, हमने वो समय देखा है जब आदमी अंधेरा होने के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकता था। भाई भाई पे शक करता था, अपने पराए की पहचान नहीं रह गई थी। हमने वो समय देखा है जब हर दिल में एक डर था, जब हर चेहरा मुरझाया हुआ था। पर आज हम फख्र से कह सकते हैं कि अब हमें किसी किस्म का कोई डर नहीं, अब हम आजादी से घूम सकते हैं। पीछे पीछे होके खड़े हो, मंत्री जी को हवा तो आने दो। देखो कैसे लोगों के चेहरों पर हंसी लौट आई है। अब हम छाती चौड़ी करके, सर ऊंचा करके कह सकते हैं कि अब माहौल ठीक है। सर प्लीज कम आउट, ये तो पटाखों की आवाज थी। सर और चलाऊं जी? पटाखे ये किसने चलाए? सर ये तो माहौल ठीक होने की खुशी में चलाए हैं जी। ओ बेवकूफ, है जी? मेरी तो सांस ही रुक गई थी। सॉरी सर, गलती होगी, हमने तो अपनी तरफ से सेलिब्रेट किया था। शर्मा जी। यस सर। सस्पेंड कर दो इसको। सर। बेवकूफी की भी हद होती है, तुम्हें फंक्शन में पटाखे चलाने की क्या जरूरत थी? सर पटाखे ही चलाए थे, मैंने कौन सा असली बम चलाया जी? अगर मंत्री जी का हार्ट फेल हो जाता फिर? सर हार्ट फेल ऐसे हो जाता, हमारे पास पूरा इंतजाम था जी, एम्बुलेंस, मेडिकल टीम, ऑक्सीजन, सब कुछ था जी। मुझे कुछ नहीं पता, ये रहे तेरे सस्पेंशन ऑर्डर। सर मेरी होम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है सर, मैंने उन्हें समझाया था कि मेरी इंटेंशन बिल्कुल ठीक थी सर, बल्कि पटाखे तो हमने मंत्री जी के स्वागत के लिए चलाए थे। आई डोंट केयर। हेलो सर। यस सर, लेकिन सर वो गलती तो ठीक है सर, जैसा आप मुनासिब समझे। ओके सर, इस बार तो मैं तेरे सस्पेंशन ऑर्डर वापस लेता हूं, पर आइंदा ध्यान रहे। सर ये अपने होम मिनिस्टर साहब का फोन था ना? भट्टी, सिफारिशों के सिर पर नौकरी ज्यादा देर नहीं चला करती। आज मिनिस्टर साहब तेरे इलाके से हैं, तेरी मदद करते हैं, कल को मिनिस्ट्री चेंज हो गई फिर क्या होगा? सर फिर तो पता ही है जी, कोई बेकार पोस्ट दे दी जाएगी। शट अप, गेट आउट। सर Thank you.
जनाब बहुत बहुत मुबारक जी, एक तो सस्पेंड नहीं हुए जी, दूसरे अपनी बदली रुक गए जी। है जी, चलो होम मिनिस्टर साहब की इज्जत बच गई। क्या मतलब जी? मेरा मतलब लोगों ने कहना था कि होम मिनिस्टर अपने खास बंदे को नहीं बचा सका। हाँ जी, ये तो है सर। हेलो। हाँ जी, हाँ सर, बैठे सर। होम मिनिस्टर साहब। यस सर। हुकुम सर। सर सर सर, सात से तेरे नंबर दुकान है सर, खाली हो गए समझो सर। साले लोगों की दुकानों पर नाजायज कब्जा किए बैठे हैं। ओए मैं तो भेज दूं पढ़ने। हवलदार जी जनाब, उठाओ सामान फेंको बाहर। शाबाश, फेंको बाहर इसे। चल चल ए ए चल। हीरो क्यों क्या तमाशा देख रहा है? चल जनाब, मैं तो दुकानदार भी नहीं। दुकानदार नहीं तो नजायज दुकान पे क्यों खड़ा है? हट, साले दादागिरी कर रहे हैं। हट हट, ले जाओ। भेज दिए पढ़ने। हो गया भाई काम? हो गया सर। वेरी गुड। पर ये छोटे से काम के लिए आपको खुद आने की क्या जरूरत थी? दुकानें खाली करवानी थी, मुझे टेलीफोन कर देते, मैं तो भेज देता पढ़ने। दरअसल ये होम मिनिस्टर साहब के साड़ू की दुकानें हैं। उन्होंने कहा था यार काम खुद खड़े होकर करवाना। अच्छा अच्छा अच्छा। महाजन साहब आप आ गए जी। आओ जी आओ, आपके आने से पहले तो काम हो गया जी। जितनी दुकानों पर आपकी नजायज कब्जा किया था लोगों ने, सब खाली करवा दी है। पर भट्टी साहब, ये दुकानें तो मेरी नहीं। और हमें तो यही बताया था कि 7 से 13 नंबर मोती नगर। हाँ जी, 7 से 13 तो ठीक है, पर मेरी दुकानें ज्योति नगर में, मोती नगर में नहीं है। ये हमने कौन सी दुकानें खाली करवा ली? सर मैं तो कहता हूँ जो खाली हो गई उन्हीं पे कब्जा कर लो। शट अप। तो मैं कह रहे हैं भाई इनसे माफी मांगो, सामान अंदर रखो और ज्योति नगर की दुकानें खाली करवाओ। अभी लो सर, मोती नगर ना सही, ज्योति नगर सही। आप साथ ही आ जाओ, हाथ रख के बताओ कौन सी दुकानें खाली करवानी है। चलिए। सर मैं सोच रहा था अगर इसी तरह की सख्ती हम सारे बदमाशों के साथ करें तो अपने जिले की सारी बदमाशी एक हफ्ते में खत्म हो सकती। अगर सारी बदमाशी खत्म हो जाए तो हमारी इज्जत कौन करेगा? हमारी इज्जत बदमाशों में तो है, पब्लिक में तो है नहीं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं सर। है जी, अब तो वो समय नहीं रह गए जब मैं थानेदार होता था ना, शहर के टॉप बदमाश मेरे पे जान छिड़कते थे। सर ये तो एक्चुअली आपका कैरेक्टर ही इतना अच्छा था कि छठे हुए बदमाश भी आपसे प्यार करते थे। हैं? सर अभी अभी खबर आई है कि बसों की स्ट्राइक हो गई। वजह? वजह क्या होनी थी? एक ड्राइवर का स्टूडेंट से झगड़ा हो गया और लड़कों ने ड्राइवर को अच्छी तरह पढ़ने डाल दिया। पढ़ने? मेरा मतलब पिटाई कर दी और बाकी सारे ड्राइवर हड़ताल पे चले गए। जब भी कोई हड़ताल होती है तो मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। सर सुना आपने अपने जमाने में बहुत बसें जलाई हैं जी। शट अप। तो मैं कह रहे हैं मौके पे फोर्स भेजो और ध्यान रखो कि कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो, खासकर मेरी प्राइवेट बसों का। जनाब समझे? नुकसान मैं तो डाल दूं पढ़ने। ये बसों की स्ट्राइक करके आज कोई ट्रक टेम्पो भी खाली नहीं मिल रहा। मैडम वो देखो एक और गाड़ी। इसे मैं रोकने की कोशिश करती हूँ। रोको 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 रोको। जी बसों की हड़ताल करके हमें कुछ मिल नहीं रहा, अगर आप हमें कुराली तक छोड़ दें तो। आप हमें कुराली तक लिफ्ट दे सकते हो? जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं। आइए आ जाओ बच्चों, आ जाओ जल्दी जल्दी। देखो लिफ्ट ना करना। हाँ शाबाश शाबाश। Ah!
ये चाबी सच तो बहुत रही है जी, पर इसके बिना गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। सॉरी, मेरा पैर फिसल गया था। कोई बात नहीं, आप आगे आके बैठ जाइए। आइए आइए। मैं जाटे अमला पगला दीवाना ना 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 लगे नजरों के तीर हमें कस के, ऐसे देखो ना जी हाय हमें हंस के, लगे नजरों के तीर हमें कस के, ओ दिल पगला जाए कहाँ बच के, तेरे चक्करों में रहना जाए फंस के, ऐसे देखो ना जी हाय हमें हंस के। ऐसे देखो ना जी हाय हमें हंस के।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या हुआ, गाड़ी को धक्का लगाएं? नहीं जी, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। मैंने सोचा आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। नहीं जी, मैं ही स्टार्ट नहीं हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा बजाज साहब, 12,000 बोरी चावल बाहर पड़े पड़े खराब हो गई और तुम्हें पता तक नहीं चला। सर, हमने नए कवर्स का ऑर्डर दिया हुआ है, पर हमें क्या पता था कि अचानक बारिश आ जाएगी। उधर दुबई से फैक्स पे फैक्स आ रहे हैं, हमारे चावल वहां पहुंच नहीं रहे। सर, हमारा 150 टन माल मुंबई शिपयार्ड में पड़ा है, आज कल में लोड हो जाएगा। बजाज साहब, कहीं ना कहीं कोई ढील जरूर है, कल भी प्रोडक्शन पूरी नहीं हुई। कल बिजली की प्रॉब्लम करके एक प्लांट बंद करना पड़ा। ओए, तुम बिजली वालों को टैकल नहीं कर सकते? 2 बोरी चावल एसडीओ के घर पहुंचाओ, खुद प्लास लेकर खंभे पर चढ़ जाएगा। एसडीओ साहब तो बहुत ईमानदार आदमी है। ठीक है, ईमानदार आदमी है तो उसकी इज्जत करो, उसे अपनी प्रॉब्लम समझाओ, बेईमान है तो खरीद लो। बजाज साहब, हमारे एक एक वर्कर ने अपना खून पसीना एक करके राजा राइस का नाम बनाया है। जी सर, मैं चाहता हूं कि हमारा इलाका इतनी तरक्की करे कि यहां का एक एक बाशिंदा सरोंचा करके कह सके कि ये मेरा इलाका है। जी सर, आप प्लांट पर चलें, मैं जरूरी फोन करके आता हूं। ओके सर। हाँ, आरती से मिले थे? मेरे ख्याल से मिला था। ख्याल से क्या मतलब है तुम्हारा? मिला था भैया, उसी को तो मिलके आ रहा हूं। हाँ याद आया, आज कुवैत से फोन आया था, उन्हें हमारे चावल बहुत अच्छे लगे, 25,000 टन का और ऑर्डर मिला है। आज तारीख क्या है? 17 कुछ नहीं भैया, मैं जरा तारीख देख रहा था, आज है 17। बौखला गया है? आज 17 नहीं, आज 7 है। 17 तक तो हमारे 60 वैगन सूरत तक पहुंच जाएंगे। चल दलाल को फोन लगा। जी। क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, मैं तो वार देख रहा था। ये लो, घंटी बज गई। हाँ जी, नमस्ते जी, मैं राजा राइस तो बोल रहा हूं। हाँ जी, वो आप जी के 60 वैगन बासमती कल निकल जाएंगे। 60 वैगन हमने क्या करना जी, हमें तो 5-6 बोरियों की जरूरत होती है। 5-6 बोरियां? और क्या, 2 DIG साहब के लिए, 2 IG साहब के लिए और 2 हमारे लिए। आप कौन बोल रहे हो जी? मैं SSP जसपाल भट्टी। जी सत श्री अकाल जी, मैं इंद्रजीत राय बोल रहा हूँ। अरे मालिक, आपको तो बासमती पहुँचानी होते हैं, कल सुबह पहुँच जाएंगी 6 बोरियां। भाई अच्छी बासमती हो जरा। आज तक कभी शिकायत आई है जी? एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी। और हमारे लायक कोई सेवा? बस जी, आपकी मेहरबानी चाहिए। अच्छा जी, सत श्री अकाल जी। काका, तूने फोन कहाँ लगाया था? तेरी ये एक लोकल कॉल 6 बोरियों में पड़ी है, पता नहीं कहां ध्यान रहता है। सनी, सब्जी दो तुझे? नहीं, मुझे दाल दे दो। अच्छा, मुझे तो सब्जी दे, मुझे तो दी नहीं। ओह, भूल गई थी। अच्छा, ये सब्जी किसने बनाई है? किरण ने। क्यों, क्या हुआ? लगता है नमक की जगह चीनी डाल दी। पता नहीं आज कैसे गलती हो गई। दीदी, मैंने तो दाल मांगी थी, तुम खीर ले आए। किरण, तुझे हुआ क्या है? कल से खोई खोई सी फिर रही है। मम्मी, अब कभी कभी इंसान से गलती हो ही जाती है। चल खीर ही डाल दे। सत श्री अकाल अंकल। सत श्री अकाल आंटी। हेलो सनी। सुखी, रोटी खा ले। नहीं आंटी, मैं अभी खा के आई हूँ। किरण, मैं बाहर बैठती हूँ, तू चल, मैं अभी आई।
अच्छा नाम क्या है उसका? नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। वो रहता कहाँ है? लो भला, मुझे क्या पता। अच्छा फिर ये तो पता ही होगा कि वो करता क्या है। बस यही तो मुझे पता नहीं। तो फिर पता क्या है? सिर्फ इतना कि उसने अपनी जीप में मुझे लिफ्ट दी थी, और जब वो मेरी तरफ देखता था ना तो मुझे कुछ कुछ होता था। ये तो काम ही बड़ा आसान है, अखबार में निकलवा देते हैं कि एक लड़का जिसकी तरफ देखकर किरण को कुछ कुछ होता है, जिसको भी मिल जाए इत्तला करे। इत्तला करने वाले को 500 रुपए इनाम और आने जाने का किराया भी दिया जाएगा। तुझे तो हर बात में मजाक सोचता है। और क्या, जिसका नाम ना पता ना ठिकाना, भूल जाओ उसे। चल भूल गई। चले चल, पर कोई तरीका तो होगा ना उसे ढूंढने का। मामला गड़बड़ है। अच्छा उसकी गाड़ी का नंबर क्या था? वो तो मैंने नोट नहीं किया, पर हाँ उसकी चाबियों वाले छल्ले पर वी लिखा हुआ था। वी, इसका मतलब है उसका नाम वी से शुरू होता है। चल ट्राई करते हैं। वी विनीता, वी विद्या, वी विजेता, वी विनय। विनय हो सकता है? हो भी सकता है। चल ट्राई करते हैं। 83754 83754 हेलो। हेलो जी, ये मिस्टर विनय का नंबर है। हाँ जी। जरा बात करवाएंगे? उनसे तो बात नहीं हो सकती। क्यों? उन्होंने ही तो मुझसे कहा था कि मुझे फोन कर लेना। क्या बकवास कर रही है तू? वो तो शराब पी के पिछले साल ट्रक के नीचे आ गया था। ओह सॉरी, रॉन्ग नंबर। ये बंदा तो पहले ही रब को प्यारा हो चुका है। बेंजी, बाहर और लोगों ने भी टेलीफोन करना है, जरा जल्दी कर लो। पहले हमें तो कर लेने दो। ठीक है फिर जल्दी मिलाओ। हाँ। वी वेद प्रकाश, वी वीना, वी वीरेंद्र, वी विजय। ये विजय को मिला के देख। हाँ। 61632 बाहर एक बंदा खड़ा है, वो आपसे बहुत दुखी है। दुखी है तो हम क्या करें, पहले हमारा नंबर तो मिल जाए। फिर जल्दी मिलाओ। हेलो जी, विजय जी बोल रहे हैं? बताइए जी, आप सोमवार के दिन चंडीगढ़ से रोपड़ आ रहे थे? जी आ रहा था। बसों की हड़ताल थी और आप अपनी जीप में थे? नहीं जी, हड़ताल तो थी पर मैं अपनी जीप पर नहीं अपनी साइकिल पर आ रहा था। मेरे साइकिल की घंटी गुम होगी, आपको मिली जी? घंटी? आप बोल कहाँ से रहे हैं? ए जी मैं लाली बोल रहा हूँ, विजय ढाबे से रोटियाँ बनाने वाला। रोटियाँ? ओफो, ये भी रॉन्ग नंबर। वो बंदा बड़ी जल्दी में है, वो कहता है लड़कियों की बातें तो कभी खत्म ही नहीं होंगी, पहले मुझे टेलीफोन कर लेने दो। कौन बेवकूफ है और उसे अकल नहीं है? अपनी बारी पे फोन करे तो नंबर मिला, मैं देखती हूँ। ऐसे देखो ना जी, हाय हमें हंस के लगे नजरों के तीर हमें फंस के। ऐसे देखो ना जी, हाय हमें हंस के लगे नजरों के तीर हमें कस के। ओ दिल पगला है जाए कहाँ बच के, तेरे चक्करों में रहना जाए फंस के। ऐसे देखो ना जी, हाय हमें हंस के। लगता है लाइन मिल गई। ये आपको ही फोन कर रही थी। मैं कहाँ फोन कर रही थी? कोई काम था जी मुझसे। हाँ इसे बहुत जरूरी काम था आपसे। क्या काम था जी? मुझे कोई काम नहीं था। तू झूठ क्यों बोल रही है? तू ही तो मुझसे कह रही थी कि जिसकी चाबियों के छल्ले पर वी लिखा है मुझे उससे मिलना है। इसी पर वी लिखा हुआ है जी। हाँ मैं जी सिर्फ इतना पूछना चाहती थी कि आपने छल्ला कहाँ से लिया, मैं भी ऐसा छल्ला बनवाना चाहती थी। आपका नाम भी वी से शुरू होता है? नहीं जी नहीं, मेरा नाम तो के से शुरू होता है, किरण, और मैं हाई स्कूल में पढ़ाती हूँ, सब्जेक्ट इंग्लिश है, मेरी छुट्टी 4 बजे होती है। पर इतना सब कुछ तो ही छल्ले पर नहीं लिखा जा सकता। ये तो मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा नाम विक्रम सिंह है, वैसे मेरे को विकी कहते हैं, मैंने लॉ की हुई है, साथ वाले गाँव में हमारा फार्म हाउस और राइस सेलर है, और टेलीफोन नंबर है 200109। पर ये सब आपने अपने छल्ले पर क्यों नहीं लिखवाया? अच्छा तू स्कूटर से उतर, मैं चलती हूँ। कमाल करती है, तेरे साथ आई हूँ, तेरे साथ ही जाऊंगी, मुझे कहीं और जाना है। विक्की तुम्हें छोड़ देंगे ना? हाँ हाँ मैं छोड़ दूंगा, मेरे पास गाड़ी है ना। नहीं नहीं, मेरा मतलब है ना जान ना पहचान, मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? उस दिन भी तो आप मेरे साथ आए थे। उस दिन तो हड़ताल थी। ओ हड़ताल का क्या है, आज फिर हड़ताल करा देते? नहीं नहीं सुखी, चल चलते हैं। चली जाना। ऐसे कैसे चली जाऊं? देख ले मैं तो कह रही हूँ। तू ज्यादा बातें मत बना, चल घर चल। ऐसे देखो ना जी,
यार मैं तो फोन करने आया था। सर क्या सोच रहे हैं जी? मैं सोच रहा था पुलिस की वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, पुलिस की भलाई के लिए। हाँ जनाब, मैं तो कहता हूँ पुलिस की भलाई के लिए शहर में जगह जगह लोगों के चालान काटने शुरू कर दें, है जी? ओ मेरा मतलब वो नहीं है। अच्छा जी। मैं चाहता हूँ कि अपने जिले में एक रंगारंग प्रोग्राम करवाया जाए और उसमें से पुलिस वेलफेयर फंड इकट्ठा किया जाए। पर जनाब इसके लिए प्रोग्राम करवाने की क्या जरूरत है, जिसको जितने पैसे कहेंगे टेबल पे लाकर रख देगा, है जी? ओ बेवकूफ, लोगों को तो पता चलना चाहिए कि हमने पैसा मेहनत से इकट्ठा किया। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन सर आप किस तरह का प्रोग्राम कराना चाहेंगे? प्रोग्राम यार मुंबई से दो चार टॉप की हीरोइंस मंगवाओ, कोई जलवा शलवा हो जाए। जनाब हीरोइंस तो पैसे ही बहुत मांगती हैं, वो तो फिर हीरोइन वेलफेयर फंड हो जाएगा, है जी? चलो हमने मुंबई से के लेना, ऐसे करो यहीं से को दो चार मशहूर कलाकार बुला लो और कोई स्कूल कॉलेजों से देख लो। ये ठीक है सर। हाँ हमारे स्कूल की ड्यूटी लगी है कि पुलिस फंक्शन के लिए हम भी एक आइटम पेश करें। मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल के आइटम सबसे बढ़िया हो, नंबर वन। आइटम किस तरह की होनी चाहिए? मैम कुछ हंसी मजाक की आइटम होनी चाहिए। मैडम वो जो सातवीं क्लास वाली सीटी है ना, उसकी एक आइटम रखेंगे, वो तो आपकी ऐसी बढ़िया नकल उतारती है, बहुत ही मजा आता है। भाई कुछ और सोचो, भांगड़ा, गिद्दा, बोलियां, डांस, एनीथिंग। एनीथिंग तो फिर डांस ही करवाते हैं, और डांस तो किरण भी बहुत अच्छा कर लेती है। मैडम चलिए डांस की तो छोड़िए, वो तो हम कर ही लेंगे, पर डांस के लिए ड्रेसेस की जरूरत होती है, उन ड्रेसेस का इंतजाम कौन करेगा? मैंने एसएसपी साहब से कल मिलना है, पुलिस सारा फंक्शन स्पॉन्सर कर ही रही है, पैसे इकट्ठे करने का इंतजाम भी वो कर ही रहे होंगे। देखा जनाब कैसे जगह घेरी हुई है, जैसे इनके बाप की हो। ओए तू चिंता ना कर, मैं तो भेज दूंगा इन्हें पढ़ने। ओए ये बाहर पेटियां क्यों रखी हैं? जनाब माल आज सुबह ही आया है, खाली करके अभी उठवा देंगे। अब तो उठवाएगा ही, अब सरकार खुद जो आ गई। सरकार के होते सरकारी जमीन पे कब्जा, मैं तो भेज दूं पढ़ने। जनाब हाँ? ये और देखो ये दुकान कहां बाहर तक बढ़ाई हुई है। ओए ये तेरा पेट नहीं जो अपनी मर्जी से बढ़ाता जाए। हौलदार जी जनाब, कार चलान 500 का। चलान रहने दो जी। चलान रहने दूं? भला कौन सी क्लास तक पढ़े हो? जनाब आठवीं क्लास तक। सिर्फ आठ? हवलदार जी जनाब आप चलान 1000 का काट। पर वो क्यों जी? ओए दसवीं से कम मुझे आदमी पसंद नहीं। जनाब मैं दो क्लासें और पढ़ लूंगा, पर चलान रहने दो जी। देखा भेज दिया ना पढ़ने, चल फिर 500 की पर्ची कटा। लो जी ले पकड़ा रे। जल्दी कर, अपने आप गिलेंगे, तू पर्ची काट ले। हाँ जनाब ये पर्ची है किस चीज की? इसे कहते हैं पुलिस वेलफेयर फंड। जनाब हाँ ये लो 1000 रुपया और मेरी दो पर्चियां काट दो 500-500 रुपए की। हाँ। पुलिस वेलफेयर फंड के लिए। शाबाश, देखा हवलदार इसे कितना फिक्र है पुलिस की भलाई का। जनाब फिक्र तो मुझे अपनी दुकान का है, अगर आपने वहाँ जाके डंडा घुमा दिया तो मैं तो मारा जाऊंगा। वो क्यों? ओ मेरी तो दुकान ही सारी कांच की है। गिल साहब तारीख नोट कर लो, 13 तारीख को टेंट माइक और लाइटें सब फ्री पहुंचनी चाहिए। जी गुजारिश ये है कि 13 को तो हमने एक बहुत बड़ी शादी बुक की हुई है, 13 को तो हमारे बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। और शादी 14 को हो जाएगी। सरकार 14 को तो लड़के ने कनाडा चले जाना है। ओ मेरी बात ध्यान से सुन लो, उनसे कहो या तारीख बदल लें या लड़का बदल लें, हमें 13 को सामान चाहिए। हाँ समझ गए ना? हाँ जनाब कई दुकानदार बेचारों ने तो उधार मांग के डोनेशन दिया जी। आम दुकानदार की जिंदगी भी क्या जिंदगी है, दुख तकलीफें धक्के। साहब बहादुर आप एसएसपी हैं, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है जी। तो क्या बना एरिस्टोक्रेट वालों का? जनाब उनके बैनर भी आ गए और पैसे भी आ गए जी। वेरी गुड। सत्श्रीकाल जी। सत्श्रीकाल जी, मैं एक्चुअली आप ही की वेट कर रहा था। वेलकम मैडम, वेलकम। सर अरे कोई चाय ठंडा वगैरह लाओ भाई। जी सर। नहीं नहीं मैंने पीना कुछ नहीं, मैं तो फंक्शन के बारे में डिटेल पूछने आई थी। ओ फंक्शन तो हो ही जाएगा जी, उसकी क्या फिक्र है, आप पहली बार यहाँ आई हैं, ला भी कुछ खाने को। जनाब फंक्शन के लिए ड्रेसेस वगैरह का इंतजाम हमें कहाँ से करना होगा एसएसपी साहब? ड्रेसेस जो को बनवा देते हैं, वैसे तो आपको ये साड़ी भी बड़ी जच रही है, यू आर लुकिंग फैंटास्टिक। मैं अपनी ड्रेस के बारे में नहीं पूछ रही थी, मैं आर्टिस्टों के कॉस्ट्यूम की बात कर रही थी। ओ आर्टिस्टों की ड्रेसेस वो तो हो ही जाएंगी, उसकी क्या प्रॉब्लम है, जिसको कहेंगे स्पॉन्सर कर देगा। वही तो मैं पूछ रही हूँ हम किसके साथ संपर्क करें। देखिए जी जब तक आप मेरे साथ संपर्क रखेंगे आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या मतलब? मेरा मतलब बात कर लेते हैं सब हो जाएगा। आप इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हैं? नहीं तकलीफ कैसी, एक हलवाई अंदर किया हुआ रोज मिठाई आ जाती है। अभी राय साहब से बात करवाओ। अपने चावल वाले सर? हाँ जी अभी लो सर। लीजिए ना लो प्लीज। थैंक यू। हाँ जी हेलो। हाँ जी राय साहब। हाँ साहब एसएसपी साहब बात करेंगे। हाँ जी
सर राय साहब। हाँ जी राय साहब, क्या हाल चाल है? सब मेरे जी, सत श्री अकाल जी। वो चावलों के साथ सामान पहुंच गया था ना? ओ जी, क्या क्वालिटी थी आपके चावलों की। अच्छा जी, अच्छा। मेहरबानी जी, हुकुम। हम चाहते हैं कि आपके चावलों की पब्लिसिटी अपने इलाके में अच्छी तरह करवा दें। लो जी लो, हमारे तो लोकल मार्केट वाले चावल ही नहीं जी, हम तो बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। पर राय साहब, जाता तो यहीं से है ना, यहाँ के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हमारे इलाके से चावल एक्सपोर्ट होता है। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, बहुत बेहतर जी। हाँ, हुकुम हुकुम करो जी। हम एक राय साहब फंक्शन करवा रहे हैं पुलिस वेलफेयर के लिए। वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत नेक काम कर रहे हो जी। मैं सोच रहा था आप इसे स्पॉन्सर करवा लें। अच्छा, स्टेज के पीछे आपके बैनर वैनर लगवा देंगे। आप बैनर आगे लगवाए या पीछे से, हमें क्या, आप बस हुक्म करो कि जेब कितनी ढीली करनी है। उस ज्यादा नहीं जी, आपके जिम्मे सिर्फ लाख रुपया। अच्छा, और कलाकारों के ड्रेसेस। अच्छा अच्छा, और खाने छाने का इंतजाम किसी और से करवा लेंगे, फिक्र ना करो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बेहतर जी। हाँ जी, ओके जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, सोमवार ठीक रहेगा जी, नो प्रॉब्लम सर। सोमवार आपके पास राय साहब का कोई ना कोई आदमी पहुंच जाएगा। ठीक है जी, अच्छा मैं चलती हूँ। आप कैसे आए थे? मैं रिक्शा से आई थी। मैं आपको छोड़ देता हूँ। जनाब, आपकी 3:30 बजे मीटिंग है जी। कोई बात नहीं, मीटिंग फिर हो जाएगी, ऐसी कौन सी जल्दी है। देख लो सर, आपने खुद ही क्या बुलाई थी कि बहुत जरूरी है। आप मेरी फिक्र ना कीजिए, मैं अपने आप चली जाऊंगी। सत श्री अकाल। तुम लोगों को ये नहीं पता कि एक औरत की प्रेजेंस में बात कैसे करते हैं। मीटिंग मीटिंग का शोर मचा दिया, बुलाओ मीटिंग। चलो बाहर निकलो तुम। आप नहीं जी, आप आइए प्लीज, गो टू योर क्लासेस नाउ। कहिए। मुझे इंदर जी ने भेजा है जी। अच्छा अच्छा, ड्रेसेस के लिए? जी हाँ। बैठिए। थैंक यू। माइंड दिस चेयर, इस कुर्सी में से कील बाहर निकली हुई है। ये क्या कर रहे हैं आप, ये तो कारपेंटर कर देगा। आप साथ वाली कुर्सी पे बैठिए ना। ओह थैंक यू। आप इंदर जी के? मैं उनका छोटा भाई हूँ। विकी। आई सी। रामलाल जी, ऐसा करो किरण मैडम को क्लास से बुला के लाओ जल्दी। जी मुझे इंदर भैया ने भेजा है जी कि प्रिंसिपल मैडम से पता करके आओ कि क्या क्या इंतजाम करने हैं। अच्छा। मैडम आपने मुझे बुलाया? किरण ये है मिस्टर विकी, विकी ये है किरण, हमारी ड्रामेटिक सी इंचार्ज। जी मैं अच्छी तरह जानता हूँ इनको। किरण तुम जानती हो इन्हें पहले से? नहीं मैडम, मैं नहीं जानती इनको। मैडम मैंने पता नहीं सुबह क्या खा लिया, सभी लड़कियां एक जैसी लग रही हैं। तुम ऐसा करो वो ड्रेसेस की रिक्वायरमेंट इन्हें दे दो। मैडम मैंने ड्रेसेस के बारे में बता देती हूँ, आप चंडीगढ़ से ले आओ, लेकिन जो हमारा डांस है ना वो पंजाबी किस्म का। देखो जी मुझे दरअसल डांस ड्रामे के बारे में कुछ पता नहीं, मैं तो अगर कोई साथ चले तो मतलब ड्रेसेस दिलवा सकता हूँ। किरण तुम चली जाओ इनके साथ चंडीगढ़। मैडम मैं इनके साथ, टाइम देख लो। टाइम अभी तो 10 ही बजे हैं, आप लोग आराम से 2-3 बजे तक वापस आ सकते हो। एनी प्रॉब्लम? नो मैडम, ठीक है मैं चली जाती हूँ। ओके मैडम चलते हैं। ओके। देखो जी आज बसों की हड़ताल तो नहीं, फिर भी आपको मेरे साथ बैठ के जाना पड़ रहा है। मजबूरी है जी। प्रिंसिपल मैडम ने फंसा दिया, नहीं तो मैं तो नहीं जाती। खुद ही पकड़ लेती हूँ। ब्लू वाले सूट से ये दुपट्टा मैच कर जाएगा है ना?
आप क्यों ये ड्रेसेस ट्राई कर रही हैं? आप जो भी पहनेंगी आप पे जज जाएगा। अच्छा तुम भी अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर लो। क्यों? क्योंकि हमें अपने डांस के लिए एक सोने से लंबे लड़के की जरूरत है। पर मुझे तो जी गाना नहीं आता। वहाँ कौन सा तुमने गाना है? तुमने तो सिर्फ मुंह हिलाना है, गाना तो पीछे सिंगर ने है। पर मैं मतलब कोई बात नहीं, सब आ जाएगा। चलो 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 चलो, सब आ जाएगा। अखबार वाले भी कितने शैतान होते हैं जी। फंक्शन के बारे में एक लाइन नहीं लिखी और इतनी मोटी सुर्खी में लिख दिया कि एसएसपी ने प्रिंसिपल को छेड़ा और प्रिंसिपल मुकदमा करेगी, है जी। पर तुम इतना मजा लेकर क्यों पढ़ रहे हो भाई? सर बात ही बहुत मजेदार है। शट अप जनाब, ये सब कसूर तेरा है जी? उस दिन कैंपा कोलो में मिला के तीन मोटे मोटे पैक पिला दिए। सर मैं तो दो ही लाया था जी, तीसरा तो आपने खुद मंगवाया। ओ शर्मगार ओए। मैं जी? अब इससे पहले की बात बढ़ जाए प्रिंसिपल के पास जाओ और मेरे बिहाफ पे माफी मांग के आओ। सर
नॉनसेंस। हाय। जी कहिए। अब क्या कहें? हाँ जी। मेरा मतलब प्रिंसिपल साहब का कमरा किधर होगा? वो सामने इतना बड़ा बोर्ड लगा है, आपको पढ़ना नहीं आता? ऐसी बात नहीं जी, पढ़ तो लेते थोड़ा बहुत, पर जो पूछने में मजा वो पढ़ने में कहाँ। सॉरी। मैं कमिंग जी। नमस्कार मैडम, मैं जी एसएसपी साहब के बिहाफ पे माफी मांगने आया था जी। मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली? औरत की समाज में इज्जत ही क्या है? नहीं जी नहीं, एसएसपी साहब तो औरतों की इज्जत ही बहुत करते हैं, वो तो आपने उन्हें मौका नहीं दिया मैडम जी। हैं जी? क्या मतलब? मेरा मतलब मैडम आप उन्हें एक माफी मांगने का मौका तो दो जी। वैसे तो उन्होंने आप आना था माफी मांगने के लिए, पर उनका गला ठीक नहीं था। जब उन्हें कचहरी में सफाई पेश करनी पड़ी ना गरारे, तो एसएसपी साहब आप करके आएंगे। मैडम क्या रखा है कोर्ट कचहरी के चक्कर में, आप भी इज्जतदार हैं और एसएसपी साहब भी इज्जतदार आदमी हैं जी। एसएसपी होने का मतलब ये नहीं कि वो अपनी मनमानी करते फिरे। ओ ना ना मैडम, एसएसपी साहब तो बहुत नेक दिल इंसान है जी, बस उनका कसूर सिर्फ इतना है कि 2-3 पैग पीकर वो अपने आप को डीजीपी समझने लगते हैं। डीजीपी? हाँ जी। मैं भी उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि अपने आप को हवलदार भी नहीं समझेंगे। मैडम बात समझने की कोशिश करें जी। मैं बात समझी हुई हूँ, आप जा सकते हैं, मेरी क्लास का टाइम हो गया। लगता है क्लास तो अब एसएसपी साहब की लगेगी। बड़े अफसोस की बात है तुमने एसएसपी होकर स्कूल की प्रिंसिपल को छेड़ा। सर मेरी उम्र अब स्कूल की लड़कियां छेड़ने की तो है नहीं सर। क्या मतलब? मेरा मतलब सर, आई एम सॉरी सर। सरकार ने तुम्हें वर्दी इसलिए पहनाई है कि तुम जनता की हिफाजत करो, पर तुम्हारे जैसे अफसरों ने इस महकमे का नाम बदनाम कर दिया। गैर जिम्मेदार काम तुम करते हो और नजरें हमें झुकानी पड़ती हैं। आई एम सॉरी सर। सॉरी नहीं, जिस दिन मेरा बस चला ना, तुम्हारे जैसे अफसर से जेल में चक्की पिसवाऊंगा। मैं माफी चाहता हूँ सर। माफी जाके तुम प्रिंसिपल से मांगो, अगर उसने तुम्हें माफ नहीं किया देन यू विल हैव टू रिजाइन। यू मे गो नाउ सर। सर प्रिंसिपल तो बहुत ढीठ निकली जी, वो कहती मैंने तो एसएसपी साहब को कचहरी में घसीटना ही घसीटना। ओ यार ये औरतों का मामला बड़ा कुत्ता होता है, एक बार किसी के पीछे पड़ जाए ना तो ये सस्पेंड करवा के रहती हैं। सरकार आपका तो रिकॉर्ड पहले ही बड़ा खराब है जी। और देखो अगर ये केस ना सुलझवाया तो अपना भी रिकॉर्ड खराब ही समझ। सर मैं तो पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ जी, अब वो नहीं मानती। आप कहें तो उसके पर्स में आधा किलो अफीम रखा के उसे अंदर करा दें। ओहो लेडीज के पर्स में अफीम, मानेगा कौन, अपने दिमाग से काम ले। सर दिमाग तो फिर अफसरों का ही होता जी। एक आइडिया यार। क्या सर? ऐसे करते हैं, वो आगे देख। अलग रंजन। ओ आगे गाड़ी पीछे इंजन। खुले पैसे नहीं है बाबा जी, फिर किसी दिन आना। पुलिस को पैसों की क्या कमी? मेरा मतलब लक्ष्मी तो संतों के पाँव में रहती है बाली के। संतों को ठंडा पानी पिला बच्चा, रब भली करेगा। पानी लो पियो बाबा जी। संतों को पौधों वाला पानी, तेरी तो किस्मत ही सड़ गई है। किस्मत में मुकदमे बाजी और कचहरियों के चक्कर दिखाई दे रहे हैं बाली के। आपको कैसे पता बाबा जी? अखबारों से। क्या मतलब? मतलब ये कि जो अखबार वालों को भी पता नहीं होता वो संतों को पहले से पता होता है बच्चा। लगता है बाबा जानी जाने। बाबा जी एक मिनट आइए, बाबा जी प्लीज आइए आइए, यहाँ बैठिए। बाबा जी मेरा हाथ देख के बताइए कि जिस एसएससी पर मैं मुकदमा करने वाली हूँ वो मैं जीतूंगी कि नहीं। मुकदमा तुम तब जीतोगे अगर तुम्हें कचहरी पहुँचने देंगे। क्या मतलब? बाबा का मतलब ये है कि तेरे ग्रह इतने बुरे हैं कि कचहरी पहुँचने से पहले ही तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा बच्चा। वैसे भी मुकदमों में क्या रखा है बालिके, रब तो प्यार मोहब्बत में बसता है। एसएसपी से मुकदमे नहीं, प्यार मोहब्बत करो। मोहब्बत उस कुत्ते से? तूने मुझे कुत्ता कहा? बाबा जी कुत्ता एसएसपी को कहे, आप तो बाबा हो। बाबा दरअसल प्रेम के पुजारी हैं, जब भी कोई किसी को गाली देता है लगता है गाली उन्हें दी गई है। बाबा जी मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मुझे कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। यही गुस्सा तुम्हें ले डूबेगा बाली के, अगर 15 दिन के अंदर अंदर मुकदमा वापस ना लिया तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। आने वाले 6 महीनों के अंदर किसी से दुश्मनी नहीं लेनी, बल्कि पुराने दुश्मनों को भी मित्र बनाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। ठीक है महाराज। उठो बच्चा, हमारा दारू का टाइम हो गया है जी। दारू दवा दारू का टाइम हो गया, बाबा जी बीमार बहुत रहते हैं। प्रिंसिपल वाली बात तो बनगी लगती है। मुबारक जनाब। लेट्स गो। इधर सर। हवलदार,
आजकल साधु बड़े घूम रहे हैं, लगता है शहर में कोई संत सम्मेलन है। जनाब मुझे तो किसी बच्चा उठाने वाले गिरोह से जुड़े लगते हैं। मुझे तो पहली शक है इनकी चाल पे। फिर करें पीछा, चलो। भाई ये जगह अच्छी लगती है, कपड़े यहीं चेंज कर लें। ओ हाँ जी, ऐसे किसी ने पहचान लिया तो कहीं फंसी ना जाएं। और ही देखा मेरा शक ठीक निकला ना। जनाब फिर क्या हुक्म है? कर दो अंदर, बना दो बंदर। मारे गए बाबा जी, कहाँ चले? दर्शन बलाशी तो यहाँ खड़े हैं। पोजीशन खराब सी हो रही है। निकल चलो जी। चले किधर थे? वो जरा सम्मेलन में जाने की जल्दी थी। सम्मेलन में जा रहे थे या बच्चे उठाने जा रहे थे? ये तो थाने जाके पता चलेगा जब लटकाएंगे उल्टे। बच्चा संतों को उल्टा लटकाएगा? इनको? और ये तो बहुत पहुंचे हुए संत हैं। कहां तक पहुंचे हुए हैं? वही, इनकी पहुंच तो एसएसपी तक है। वो है, वो एसएसपी कोई बंदा है? महाकरप्ट आदमी है। 50,000 रुपए खिला के उस तक तो कोई भी पहुंच सकता है, और एसएसपी का नाम लेके मुझे धमकियां दे रहा है। यूं ना कर बच्चा, सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड होने से कौन डरता है? 50,000 देके बदली करवाई थी, 1,00,000 रुपया देके बहाल हो जाएंगे। ठीक है, फिर 1,00,000 रुपया लेके एसएसपी के दफ्तर पहुंच जाना। क्यों? क्योंकि एसएसपी जसपाल भट्टी मैं ही हूँ। टाइगर 2441 गाड़ी लेके पीपल के पास पहुंचो। लगता है लोगों को पढ़ने भेजते भेजते आज आप ही पढ़ने लग गए। बजाज जी, वो शिप लोडिंग का क्या हुआ? सर हमारा माल 7 दिन हो गए मुंबई शिपयार्ड में पड़ा है, लोड ही नहीं हो रहा। त्रिलोकनाथ का माल तो कभी नहीं रुका। सर त्रिलोक शिपिंग मिनिस्टर का जमाई है, उसका माल कैसे रुक सकता है? What a stupid logic you are giving. किसी भी हाल में हमारा माल दुबई पहुंचना चाहिए। Yes, ये कोई दलील है? No, sir. क्या हुआ भाई, तबीयत खराब है क्या? नमस्ते साहब जी। हाँ? 2 दिन से बुखार चढ़ा हुआ जी। छुट्टी लेके आराम क्यों नहीं करता? छुट्टी मांगी थी पर छुट्टी मिली नहीं। सर अगर ऐसे इन्हें छुट्टियां देने लगे तो इनकी आदत खराब हो जाएगी। डोंट बी सिली, वर्कर बीमार है तो छुट्टी क्यों नहीं देते? ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, वर्कर की सेहत फैक्ट्री की सेहत है। राइट सर। ऐसा कोई काम ना हो जैसे हमें नजर चुकानी पड़े। ठीक है सर। अब जाओ, दवाई लो और आराम करो। ठीक है? ठीक है। शाबाश। सनी, सनी 7 बज गए तू अभी तक तैयार नहीं हुआ। इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सब बहानेबाजी है, रोज कोई ना कोई बहाना करके बैठ जाता है। इसका माथा गर्म है थोड़ा, आज स्कूल ना जाए तो ही ठीक है। मम्मी तुमने इसकी आदतें खराब कर रही हो। जा आराम कर, मैं जानती हूँ इन बच्चों को। अच्छा मैं चलती हूँ। आ गए, लग गया फोन कनेडा। जीते भाई साहब से बात हो गई? फोन किया तो था पर जीता भाई से मिलते ही नहीं। अब वो तुम्हें क्यों मिलने लगे? वो सारी जमीन अपनी कंपनी के नाम लगवा चुके हैं। पता नहीं उस दिन क्या सोचकर आपने बगैर पढ़े ही दस्तखत कर दिए थे। मैंने तो ये सोचकर जमीन उसके नाम की थी, मेरा भाई है, अपने इलाके में फैक्ट्री लगाएगा, मेरा भी कुछ हिस्सा होगा, कोई 4 पैसे बचेंगे तो बच्चों को मिल जाएंगे। वो तो एक साजिश थी हमारी जमीन हड़पने की, बड़ा भरोसा था ना अपने भाई पर, अब भुगतो। नलायक, क्या हुआ विकी, खेल कैसे रहा आज? पता नहीं आज मुझे क्या हो गया, लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेट हिम टेक रेस्ट, मैं चलता हूँ। ओके ब्रदर। और एसएसपी साहब क्या हाल चाल है? सब सेट है जी। वो प्रिंसिपल साहब का क्या हाल है, सुना है कि मुकदमा करने की तैयारी है? उसे तो गलतफहमी हो गई थी कि मैं उसके चक्कर में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आई थी बाद में, माफी मांगी थी।
और देखो जी पुलिस वाले जिससे चाहें दो मिनट में माफी मंगवा लें। मैं चलता हूँ मेरे ख्याल से। गेम तो खेल के जाओ। नहीं नहीं मेरी जरूरी मीटिंग है जरा। मेवा सिंह ये रैकेट पकड़ो। वो पहले रैकेट तो पकड़ लो। अच्छा जी ओके सी यू। बहुत ही जॉली बंदा है। देखो जी आप इसके साथ ज्यादा घुला मिला मत करो, इसकी रेपुटेशन बहुत खराब है। भाई हमें कौन सी रिश्तेदारी बनानी है, पुलिस वाला है, बिजनेस में काम आता रहता है कभी कभी। किरण मैडम से बात कर सकता हूँ? जी हाँ मैं होल्ड करता हूँ। हेलो। हाँ किरण मैं बोल रहा हूँ। मैंने पहचान लिया। किरण तुम्हें छुट्टी कब होगी? स्कूल तो शुरू हुआ है, वैसे छुट्टी 4 बजे होगी। ओहो 4 बजने को तो 4 साल लग जाएंगे, तू जल्दी नहीं आ सकती प्लीज? अरे कल ही तो मिले हैं, इतनी जल्दी फिर? क्या कहूँ किरण, भूख ना दिला जो जावे, मित्रा नु मिलने दी, तुम्हारा दिल नहीं करता? मेरा दिल तो करता है, रोज होठों पे तुझको सजाऊं, मितवा तू गीत बन जा। किरण मेरा मन ना तो घर में लगता है ना वकालत में, आज तो मेरे से टेनिस भी ठीक से नहीं खेली गई। इधर भी यही हाल है, आज बच्चों को मैंने हिसाब की क्लास में साइंस पढ़ानी शुरू कर दी। तू हिसाब साइंस की बात छोड़, तू ये बता कि प्यार का अगला चैप्टर कब पढ़ेंगे? गुड मॉर्निंग मैडम। अच्छा मासी जी हम 4 बजे छुट्टी के बाद मिलते हैं। मासी ओ क्या हो गया तुम्हें, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें लेने। नहीं नहीं मासी जी, मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हो, पर हर स्कूल का एक डिसिप्लिन होता है, मैं 4 बजे से पहले नहीं आ सकती। अच्छा अच्छा लगता है प्रिंसिपल आ गई। हाँ हाँ हमारे प्रिंसिपल मैडम तो बहुत ही अच्छे हैं, जब से हमारे स्कूल आए हैं स्कूल का डिसिप्लिन भी बहुत ही अच्छा हो गया है। किरण बेटे अगर तुम्हारी मास्टरी तुम्हें इतना ही कह रही है तो तुम चली जाओ। लो मेरी बात करो, मेरी बात करो, मुझे दो, मुझे दो। मैडम हेलो मासी जी, हेलो हेलो, दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल ऑन योर टेलीफोन, ये सुविधा आपके टेलीफोन पे उपलब्ध नहीं है। दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल ऑन योर टेलीफोन, ये सुविधा आपके टेलीफोन पे उपलब्ध नहीं है। दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल ऑन योर टेलीफोन, ये सुविधा आपके टेलीफोन पे उपलब्ध नहीं है। राय साहब जब तक त्रिलोकनाथ का ससुर शिपिंग मिनिस्टर है ना, हमारा चावल दुबई नहीं पहुंच सकता। ये तो बिजनेस एथिक्स ना हुए, वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कोई जाति दुश्मनी हो। जनाब वो कहता है इस इलाके से सिर्फ उसी का चावल एक्सपोर्ट होगा, जो जो कंपनी उसके साथ मिलना चाहती है वो मिल जाए, और जो कंपनी उसका मुकाबला करेगी उसका मलिया मेट कर दिया जाएगा। समझता क्या है अपने आपको बजाज, उससे जाके कह दे अगर उसने हमारे इलाके में आंखें दिखाने की कोशिश की तो आई विल किल दैट रास्कल, आई विल फिनिश हिम। जनाब ये काम खुद करने का जमाना नहीं, हर काम के लिए आदमी मिलते हैं। शेरा फोरमैन का नाम सुनते ही बड़े बड़े कांप जाते हैं सोनिया, तो फिर त्रिलोकनाथ तो चीज ही क्या है। हवाई जहाज? जनाब मेरा नाम हवाई जहाज नहीं, विजय बजाज है। बजाज हो या जहाज, पर एक बात कान खोल के सुन, रुपया लगेगा 5 लाख, 2.5 लाख काम से पहले और 2.5 लाख काम होने के बाद। ये पकड़ो जी 2.5 लाख रुपया, त्रिलोकनाथ को इतनी मार मारो ऐसा पीटो कि वो हमारे इलाके का रास्ता भूल जाए। ओए हम कोई गली मोहल्ले के बदमाश नहीं के मारपीट करें। ओए टोनी इसे छत पे ले जाकर गोली मार दे। जनाब गोली, मैं तो काम के पैसे देने आया हूँ। पैसे से हमें हमारी इज्जत ज्यादा प्यारी है, सारी दुनिया जानती है कि शेरा फोरमैन कत्ल से कम केस नहीं लेता है। जाजू जनाब चाहे आपके आदमी उसे कत्ल कर दे भला मुझे क्या एतराज है, पर अगर आपका कोई आदमी पुलिस ने पकड़ लिया उसने हमारा नाम ले दिया फिर? ओए शेरा 5 लाख लेता किस चीज के है, जाजा अगर हमारा आदमी पकड़ा गया तो इल्जाम अपने सिर लेगा। ठीक है मुझे मंजूर है। ये हुई ना शेरों वाली बात जाजा। टोनी त्रिलोकीनाथ का कांटा निकाल दे। सरकार अगर आपकी इजाजत हो तो ये काम मुझे सौंपा जाए। ओए तूने तो पहले कभी कत्ल ही नहीं किया बिल्लू बकरे। सरकार आप मौका देंगे तभी तो कुछ करूंगा, मेरी उंगलियां तो कत्ल करने के लिए तरस रही हैं। ठीक है सरकार ये कहता है तो इसको भेज दो, साथ में इसकी ट्राई हो जाएगी। शेरा जी कोई अच्छा सा आदमी भेजो, कहीं मरवा ना दे।
बिल्लू बकरे का निशाना बहुत पक्का है बजाज साहब। आप अपने बाकी के 2.5 लाख रुपए तैयार रखो। जिस दिन तरलोकनाथ पंजाब आ गया उसकी मौत की खुशखबरी अखबार में पढ़ लेना। वेरी गुड। ओके शेरू चल जा जा। आप ये क्या रोज बोतल खोल के बैठ जाते हो? कभी कहते हो मुझे सनी की तबीयत की फिक्र है तो मैं पीता हूँ, कभी कहते हो मुझे किरण के रिश्ते की चिंता है तो मैं पीता हूँ। घर में जवान लड़की बैठी हो चिंता तो होती है। रिश्ता कोई पीने से थोड़े ही मिलेगा, बाहर जाके किसी के साथ बात चलानी चाहिए। अपनी विमला का देवर कैसा रहेगा? उसके साथ रिश्ते की बात चला के देखनी थी। ओ, की थी बात। लड़के का बाप दहेज में 5 एकड़ जमीन और कार की उम्मीद लगाए बैठा है। थू, थू। गुली ये क्या कर रहा है जी? गाड़ी साफ। इतने गंदे कपड़े से? और जी मैं अपनी कमीज उतार के गाड़ी साफ कर दूं। जा यार, पता नहीं कहां से पकड़ना है इसको। कमाल है। विकी 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 ठहर जा, कहां जा रहा है? मैं चंडीगढ़। चंडीगढ़? वेरी गुड, मुझे रास्ते में मोहाली उतार देना। मुझे कर्मों के घर बधाई देने जाना है। भाभी तुम दूसरी गाड़ी ले जाओ। दूसरी गाड़ी कैसे ले जाऊं, आज ड्राइवर नहीं आया। भाई मैं तुम्हें कल ले जाऊंगा। आज आज क्या है, कोई काम है? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो चलना जल्दी, मुझे पहले ही देर हो गई है। चल चल जल्दी चल। विकी गाड़ी रुक, गाड़ी रुक। क्या हुआ? वो जो लड़की पीछे खड़ी है ना, उसे बिठा ले। भाभी इस तरह ऐरी गरी लड़कियों को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। ओफो, उसकी कोई मजबूरी हो सकती है। तुम्हें आजकल की लड़कियों का नहीं पता? जैसे तुझे बहुत पता है। तुम गाड़ी पीछे नहीं रोक सकते थे? मैं क्यों गाड़ी पीछे रोकूं? इतनी दूर से चल के आना पड़ा मुझे। कमाल करते हो तुम भी विक्की। आपको मेरा नाम किसने बताया जी? हुआ क्या है तुम्हें आज? आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? गलतफहमी तो मैं दूर करती हूँ। ये कौन है? मेरी भाभी है। आपको क्या? सत श्री अकाल जी, मिले नहीं ना पहले। ये बात है। कान इधर कर भाभी, कान इधर कर भाभी। भाभी लड़की तो ठीक है, नक्श भी अच्छे हैं, पर आपके भाई साहब का कारोबार क्या है? 10 साल से लंदन में रह रहे हैं जी। अच्छा। खाते पीते लोग हैं। बस ज्यों सवेरे से खाना शुरू करते हैं शाम तक खाते ही रहते हैं। है जी। इनका मतलब है जी कि उनके 8-10 फूड स्टोर हैं लंदन में। खाने पीने का बिजनेस है ना। अजी हम खुद यही चाहते हैं कि अपनी कंपनी का दफ्तर लंदन में खोल के विकी को उसका इंचार्ज बना दें। ओ आओ जी आओ, आ गए। ये है मिसेस शेर सिंह और मिस्टर शेर सिंह। सत श्री अकाल। बहुत दिनों के बाद मिले हैं। जलंधर में हमारे चाचा जी के पड़ोसी थे। बैठो। हाँ जी बैठो। हाँ जी। ये मेरा छोटा भाई। इनके बड़े भाई साहब लंदन में हैं। उनकी बेटी की बात करने आए अपने इस बदमाश के लिए। अच्छा, आपके खानदान की तरह ये खानदान भी बहुत अच्छा है। ये देखिए फोटो लड़की की, ये देखिए। लड़की तो सुंदर है। पर भाभी, भाभी मुझे तो अभी अभी ब्याह करना नहीं। ना बेटा, और तू क्या बूढ़ा होके ब्याह करेगा? मैं ब्याह में लेट हो गया था, सो जो बचा कुचा मुझे मिला उसी से फेरे लेने पड़े। और मेरे साथ भी तो धोखा हुआ है ना। फोटो मुझे दिखाई छोटे भाई की और फेरे करवाए इस बूढ़े से। देख ले, तुझे तो किरण पसंद नहीं है। वैसे वो इतनी बुरी भी नहीं है भाभी। पर तू तो उसे जानता नहीं। यू तो थोड़ा बहुत जानता हूँ। थोड़ा बहुत? ये थोड़ा बहुत जानने से क्या होता है? ऐसे तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, समझा करो भाभी। भाई तुम दोनों आपस में ही खुसुर-पुसुर कर रहे हो, कुछ हमें भी तो पता चले क्या हो रहा है। वो दरअसल विक्की ने पहले ही एक लड़की पसंद कर ली है। कमाल है, तुमने मुझे पहले बताया ही नहीं। मैं भी तो अभी देख के आई हूँ, बस आपसे बात करने ही वाली थी। यूं तो बच्चों की अपनी पसंद होती है, वैसे लंदन वाली फैमिली है बड़ी रईस। देखो जी मुझे अपने विकी पर पूरा विश्वास है, इसने जो भी लड़की पसंद की होगी मैं कहता हूँ ठीक ही होगी। अच्छा भाभी, भैया मैं अभी आया, मुझे काम है। अरे कहाँ जा रहा है भैया?
चलो जी हम भी चलें। अरे नहीं नहीं, दाल रोटी खा के जाइए, अभी टाइम ही क्या हुआ है। नहीं जी, हमारे यहाँ तो आज मीट मुर्गा बनाया ना, आपके दाल फिर किस दिन से ही? चलो चलो जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, कैसी? किरण 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 किरण, चल कहीं चले। अरे इस वक्त कोई देख लेगा। ओहो, मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए मान गए हैं। हमारा चोरचोरी मिलने का आखिरी दिन है और मैं इसका मजा नहीं गवाना चाहता। किरण चल मेरे साथ, बस तू चल चल चल। चोरी किससे चोरी, सबसे चोरी, सुबह सवेरे शाम के घेरे, धूप से चोरी, छांव से चोरी, चुपके चुपके चट से छुपके, झूमे गाए धूम मचाए, लूट ले मौज मेला, अब आई मिलन की बेला, आई मिलन की बेला, लूट ले मौज मेला, ओए लूट ले मौज मेला, अब आई मिलन। बारात में कम से कम 1000 आदमी आएंगे, जाके लड़की वालों से कहते बारात की सेवा में कोई कसर ना छोड़े। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की 3 कपड़ों में भेज दे। भाई हमें तो अपने कपड़ों की चिंता लगी हुई है, गोटे किनारी का सारा काम पटियाले से करवाऊंगी।
पर भैया 1000 आदमी वहाँ क्या करेंगे, 11 आदमी बहुत है। क्या मतलब? भैया हमें लड़की वालों पे फिजूल बोझ भी नहीं डालना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ, लड़की वालों की माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। भाइयों का आपस में झगड़ा था, जितनी थोड़ी बहुत जमीन थी मुकदमों में बिक गई। बंद कर बकवास। तू चाहती है मैं अपने भाई की शादी ऐसे कंगालों के घर में करूं? भैया लड़की बहुत अच्छी है, टीचर लगी हुई है, और फिर उसने अपने घर आके रहना है, ना कि मैंने उनके घर। ज्यादा पढ़ाने की कोशिश ना कर, मेरे हाथों में खेला है समझा? बकवास करने लगा है, मुझे समझाने चले। पर भैया आए बड़े समाज। तू फिक्र मत कर, मैं इंदर को समझा लूंगी। तेरा भाई दिल का राजा है, कल मैं जाके किरण के घर भी बात कराऊंगी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। बापू जी, वो रोशन लाल जी का घर किधर है? रोशन लाल जी का घर तो वो सामने है जी, उनका बेटा बीमार है, सारे अस्पताल गए हैं। बेटा बीमार है? हाँ बेटा बीमार है। जबान दिखा। डॉक्टर साहब, इस बच्चे के दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता, आप एक बार दोबारा चेक करके देखो तो। मैंने सब कुछ चेक करके ही आपको बताया। कुछ भी करो मेरे बच्चे को बचा लो। घबराइए नहीं, बच्चे के गुर्दे बदले जा सकते हैं। मैं इसे किसी भी बड़े अस्पताल रेफर कर देता हूँ, कोई 1-1.5 लाख रुपया खर्चा आएगा, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना रुपया आएगा कहाँ से? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। तू घबरा मत, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। अभी रोशन क्या हाल है, क्या लेगा, सेब या संतरे? धनीराम, कहीं से 1 लाख रुपए का इंतजाम हो सकता है? लाख? देख ले भाई, पूरा बाजार बंद हो गया, अकेला ही दुकान खोले बैठा हूँ। अगर उधार देने लायक होता तो घंटा पहले ना शटर बंद करके चला जाता। नहीं नहीं, और कहीं से इंतजाम करवा सकता है? मेरा बच्चा बहुत सख्त बीमार है। देख भाई, मैंने तो आरतियों को पहले बहुत पैसे देने हैं, 5-7 हजार की बात होती तो मैं कुछ कर सकता था। तुम एक काम करो, तुम्हारी बहन का बेटा कितना साहूकार है, तुम उससे क्यों नहीं पैसे मांगते? वो तेरे अब काम ना आए तो फिर कब आएगा? मामा जी, 1 लाख तो क्या, मैं आपको 2 लाख दे दूंगा, पर 2 साल बाद। मुझे तो अभी जरूरत है। ओ मामा जी, मैं तो आप दबा पड़ा हूँ इस होटल की किश्तों के नीचे, एक देके हटता हूँ दूसरी तैयार हो जाती है। ओ लाओ भाई सूप, लाओ मामा जी के वास्ते। बस चलता हूँ। रोशन लाल जी, पिछले 1 महीने से ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक चल रही है, गाड़ियां रोड पे खड़ी हैं, पैसा कहीं से आ नहीं रहा, मैं तो आप इस वक्त बहुत तंग हूं। मेरे आंगन गमों ने मिलकर जब से डेरा लगाया, दोस्त प्यारे साथ सारे नजर कोई ना आया, एक दर्द ने साथ निभाया, ये हाल है मेरे हबीबों के। आंसू मेरे नसीबों के, लोग तो कहते जहर है इसको, आब हयात समझ मैं इसको, दो घूंट पी लेता हूँ, पल तो पल जी लेता हूँ, ये शराब नहीं, ये शराब नहीं, ये शराब नहीं, ये शराब नहीं, ये आंसू मेरे नसीबों। मैं तुम्हें इतला देने आया हूँ, ये त्रिलोकनाथ गांव आया हुआ है, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। तू हमें बताने आया है? जब त्रिलोकनाथ बंबई से निकला ही था हमें तो तभी खबर हो गई थी, तेरे घर पहुंचने से पहले पहले त्रिलोक परलोक पहुंच जाएगा सोनिया।
रामचंद्र जी, पिछले 4 महीने में आपके इलाके में ना कोई डाका ना कोई वारदात। जय माता दी जनाब, मेरा इलाका तो पीसफुल है जी, पूरी तरह शांति है। इस तरह का माहौल जनाब कहाँ मिलेगा जी। वेरी गुड। मैं सोच रहा हूँ कि आपका थाना बंद करवा के इलाका सिटी थाने के साथ जोड़ दें। अब पर जनाब फिर मेरी थानेदारी का क्या होगा जी? अब मेरा मतलब जनाब, मेरी तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है ना जी। पिछले 4 महीने से तो पड़ी नहीं। जय माता दी जनाब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं जी जान से मेहनत करूंगा और लोगों को इस थाने की जरूरत जरूर पड़ेगी जनाब। मुबारक हो सर, मुबारक। मुबारक हो सर, मुबारक। सर अपने इलाके में एक लाश मिली है। जय माता दी। रब्बा मुझे यकीन था कि मेरे इलाके में कोई ना कोई वारदात जरूर होगी। तेरे घर देर है अंधेर नहीं। जय माता दी। सब बहादुर, अभी अभी खबर मिली है, कत्ल तो मेरे इलाके में हुआ जी। वो तो लाश किसी ने नहर में फेंक दी, तैर के रामचंद के इलाके में चली गई। जय माता दी। पर जनाब लाश मिली तो मेरे इलाके में है ना जी। सर कत्ल हुआ तो मेरे इलाके में है जनाब। ये तो मटू सिंह जी खाम खा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं जी। लोग कहते हैं पुलिस काम नहीं करती, या काम के पीछे लड़ाइयां हो रही हैं। काश मैं भी किसी काम की पोस्ट पर लगा होता सर। हेलो। हाँ जी सर, SSP जोगा सिंह का फोन है। हेलो। और पट्टी साहब क्या हाल चाल है? बस ठीक है जी, सब मेरे दाता की ही। और हुक्म करे कैसे याद किया? ओ यार कोई लाश पड़ी है अपने पास स्पेयर? हाँ जी। कोई लाश पड़ी है अपने पास फालतू? लाश की क्या जरूरत पड़ गई? ओ यार पिछले दिनों एक वारदात में बंदे मरे थे 3, हमने गलती से शो कर दिए 4, एक लाश कम पड़ रही है, उसी की मुसीबत है। ओ लाश मिल जाएगी जी, लाश की क्या बात है, कहो तो 3-4 जिंदा आदमी साथ भेज दें। और जिंदा हमने क्या करने हैं, जिंदा तो हमारे पास भी बहुत हैं। हुक्म करो कब भेजूं लाश? अभी भेज दो चाहे। जोगा सिंह जी आप परवाह ना करो, सब हो जाएगा। सत श्री अकाल जी। ओके। जो अपने पास लाश आई है ना फालतू सी जी, 2 आदमियों की ड्यूटी लगाओ। हाँ जी। उसे SSP जोगा सिंह के यहाँ पहुंचवाना है। जनाब। पर जनाब अगर यहाँ केस सॉल्व करने के लिए किसी ने लाश मांग ली फिर? लाश की जरूरत तब पड़ेगी जब केस रजिस्टर होगा। केस तब रजिस्टर होगा जब तुम FIR लिखोगे। और आपका मुंशी को बेवकूफ तो है नहीं जो रोज नामचा फजूली भरता रहेगा। सर लंच तैयार है जी। चलो यार बड़ी भूख लगी है, रोटी चोटी खा ले, मीटिंग तो चलती रहती है। सर टेबल इधर से आ जाए। जनाब लाश वाली बोरी का मुंह कस के बांध दिया है। अगर खुला होता तो मैंने कौन सा उससे बातें करनी थी। इसका मतलब जनाब रास्ते में मेरे ही कान खाएंगे। क्या कहा तूने? कुछ नहीं सर, SSP जोगे से ही वेट कर रहे होंगे। ठीक है चल। अरे यार पहले सीनियर आदमी को बैठने दे। कहती ऐसा हनीमून तो मैंने कई बार कई बार। यस होम मिनिस्टर साहब का फोन है सर। सर क्या हो रहा भाई? सर ऐश हो रही है जी। ऐश? मेरा मतलब सर काम ही इतना है, ऐश करने का मौका ही नहीं मिल रहा। अच्छा वो मैंने फोन इसलिए किया था कि वो कातिल का पता चल गया। कातिल? किसका कातिल सर? वो तिरलोक का कातिल, तिरलोक शिपिंग मिनिस्टर का जमाई है। कातिल बच के नहीं निकलना चाहिए। पर सर हमारे इलाके में तो तिरलोक नाम के किसी आदमी का कत्ल हुआ ही नहीं सर। क्या? ओ सर जिसकी लाश नहर से मिली है उसका नाम तिरलोक ही था सर। ओ माय गॉड। क्या हुआ? सर मेरा मतलब कत्ल का तो हमें पता ही है सर, कातिल जरूर पकड़ लेंगे जी। सर पुलिस पूरा जोर लगा रही है जी। सर SSP जोगा सिंह। वो जोगा सिंह जी जो आपको लाश भेजी है अभी यूज तो नहीं की? और लाश तो अभी पहुंचे नहीं, यूज क्या करनी? अच्छा वो अपने आदमी लाश लेके आपके पास पहुंचते होंगे, पहुंचते ही उल्टे पांव वापस भेज दो, हम तो बड़े परेशानी में फंस गए जी। कमाल है भट्टी साहब, वो एक आम लाश के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आम आदमी की तो हम जिंदा की परवाह नहीं करते, मरने के बाद क्या करनी। आम आदमी का जीवन भी कोई जीवन है, दुख तकलीफें धक्के। सरकार आप पुलिस ऑफिसर हो, ज्यादा सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं जी। वो एक VIP की लाश थी जी, बाकी सब मैं मिलने पर बताऊंगा। मुझे बड़ा अफसोस है कि एक पुलिस अफसर दूसरे पुलिस अफसर के काम नहीं आ सका है। सत श्री अकाल। जनाब गाड़ी पंक्चर हो गई, टायर बदलना पड़ेगा। जनाब बाहर आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं, वो गोली नहीं चली, ये अपनी गाड़ी का पटाखा बोला है। तू जरा बकवास मत किया कर। काका तू जल्दी जल्दी टायर बदल, तब तक हम ढाबे पे चाय पी के आते हैं। शाबाश। पाना तो लाया नहीं यार,
देखता हूँ। अरे अपनी बोरी रह गई। बोरी कहाँ गई? अरे भाई साहब। हाँ जी। यहाँ एक बोरी पड़ी थी। ना बाजी, हमने नहीं देखी। तेरी की मर गए। इसे क्या हो गया? ओए तू जूनियर आदमी होके मुझे मटर खिलाया जा रहा है और आप रसगुल्ले उड़ा रहा है। जनाब लो जी, आप भी खा लो। कौन से पैसे देने? सरकार 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 अपनी लाश की बोरी को उठा के ले गया। टाइगर 24 Delta 007 कॉलिंग, टाइगर 2 कॉलिंग डेल्टा 007, लाइन पे आओ। ओवर। डेल्टा 007 ऑन द लाइन। ओवर। जल्दी वापस पहुंचो, इमीडिएटली वापस पहुंचो। ओवर। जनाब वो बोरी का क्या करें? जल प्रवाह कर दें। वो बोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरी लेके वापस पहुंचो। ओवर। जनाब बोरी तो मैंने पढ़ने भेज दी, मेरा मतलब है गुम हो गई, पर आप चिंता ना करो, हम ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे सर। शट अप। बोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कहा बोरी कहीं से भी ढूंढ के वापस पहुंचो। ओवर एंड आउट। डैम इट, बड़ी बात होगी ना, चल जल्दी कर। यहीं की होगी, मिल जाएगी। कोई ट्रॉली जाती देखी इधर से? नहीं मालूम जी। और जिस पर बड़ी बड़ी बोरियां लदी हुई थी? हम नहीं देखे। साले खड़े रहते हैं सड़क पर आंखें बंद करके, एक ट्रॉली तक का ध्यान नहीं रख सकते, फिर कहते हैं शहर में क्राइम बढ़ गया। चलो ए। अब ये देखो ना, बैठे बैठाई मुसीबत आ गई। साहब बहादुर, एक नई मुसीबत आ गई जी, त्रिलोक की लाश मिसप्लेस हो गई। ओहो, ये हो क्या रहा है? मुसीबत में मुसीबत। अभी अभी होम मिनिस्टर साहब का मैसेज था कि लाश को पूरे सामान के साथ गेस्ट हाउस में रखा जाए। सर मैंने इंस्पेक्टर भल्ला को इंस्ट्रक्शंस पास कर दी हैं कि जैसे ही लाश मिले फौरन वापस आओ। पर जब तक लाश नहीं मिलती तब तक क्या करें? और त्रिलोक के रिश्तेदार आ गए फिर? सर यही मैं सोच रहा था जी। सोचने से बात नहीं बनेगी, लेट नहीं करो। हां जी। मेरा मतलब जब तक असली लाश नहीं मिलती तुम आराम से गेस्ट हाउस में खुद लाश बनकर लेट जाओ। पर जनाब मुझे तो उसके रिश्तेदार पहचान लेंगे जी। उसका इलाज है। मृतक का मुंह देखना अब शकुन है बच्चा, जो भी इसका मुंह देखेगा नरकों का भागी होगा। मृतक का मुंह देखना अब शकुन है बच्चा, जो भी इसका मुंह देखेगा नरकों का भागी होगा। मृतक का मुंह। यार इतने हारना चढ़ाते जाओ, लाश का सांस ही ना रुक जाए। लाश का सांस ना रुक जाए। जय माता दी। मेरा मतलब ये VIP की लाश है, VIP तो खुद फूल होता है, उस पर फूल चढ़ाने की जरूरत है? थैंक यू सर। लाश ने थैंक यू बोला? जय माता दी। थैंक यू मैंने कहा है। आप ऐसा कीजिए बाकी के फूल जाकर फोटो पे चढ़ाइए। चलिए शाबाश। चलिए चलिए। हाँ भाई। साहब बहादुर बहुत जोर से भूख लगी है जी। वो चुप करके लेटा रहा, मरवाएगा। सरकार मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया। लाशें भी कभी नाश्ता करती हैं? ढका रहा है। और गए। मृतक का मुंह नहीं देखना बच्चा। ओ कहाँ है त्रिलोक गरीबों का बादशाह, जो भी इसका मुंह देखेगा नरकों का भागी होगा। ओ एक ही तो आदमी था जो सेब खाता था, बाकी तो सारे गांव में बेर खाने वाले हैं। उठो सेबों के बादशाह। ओ एक सेब तो खा ले। हौसला रखो, हौसला। साहब ने कहा है जरा हौसला रखो थोड़ा सा। माँ माँ, मेरा मतलब SSP साहब, मैं सेब की कसम खा के कहता हूँ, मैं त्रिलोक के कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। और देखो ये कसमें बाहर जाके खाओ, यहाँ लोगों ने श्रद्धांजलियां देनी है। चलो शाबाश। जय माता दी। हाय मेरा और... सेब का टोकरा। सर त्रिलोक जी, आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? मैंने तो सोचा था कि आपके जरिए टिकट लेके इस इलाके की कोई मंत्री बन जाऊंगी, पर आप तो इतनी जल्दी चले गए। आपने अपना बेड़ा तो गर्क करना ही था, साथ में मेरा बेड़ा। अरे क्या हुआ बहन जी? कुछ नहीं, इसने लाश की शक्ल देख ली थी। मृतक का मुंह देखना अब शकुन है बच्चा, जो भी उसका मुंह देखेगा नरकों का भागी होगा। चले ठीक से कर। साले बोरियां चोरी करते हैं, वो भी पुलिस की। सरकार हमने सोचा जी हमारी बोरी है। अच्छा, सोच समझ के चोरी की है। ओए मैं तो भेज दूं पढ़ने। जनाब हाँ? इन्हें बाद में पढ़ने भेज देना, वहाँ खलबली मची होगी, हम जल्दी वापस चले।
ओ बोरी अच्छी तरह चेक करके डिग्गी में रख ली। हाँ जी सर। और तुम सुनो ध्यान से, जब तक हमारी कार आंखों से ओझल नहीं हो जाती तुम इसी तरह बैठ के मारते रहो। जल्दी करो, हटो पीछे। आओ सर। हट यार। चले गए साले। रब की रब ही जाने जी, क्या पता चलता है कब क्या होना है। कुछ खुशखबरी जनाब, त्रिलोक की लाश आ गई हुजूर। वेरी गुड। बहनों और भाइयों, बड़ी खुशी की बात है कि त्रिलोक नाथ जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। सर लाश, लाश। हाँ, मेरा मतलब है कि त्रिलोक नाथ जी की लाश का मुआयना करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंच चुकी है। आप सारे 10 मिनट के लिए बाहर चलिए। चले चले, शाबाश। सब बाहर चले, चले चलिए प्लीज। और सुनो जी सर, 10 मिनट के अंदर अंदर पिछले दरवाजे से लाश रिप्लेस कर दो। ओके सर, जय माता दी। जल्दी करो। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ बजाज। त्रिलोकनाथ हमारा बिजनेस राइवल था, हमारी उसकी कारोबार की लड़ाई थी। मैंने तुम्हें उसे डराने धमकाने के लिए कहा था, कत्ल करने के लिए नहीं। जनाब मैंने शेरे को सिर्फ पिटाई करने को कहा था, पर वो कहता है उसका ग्रोह छोटे मोटे काम नहीं करता। अबे वो मंत्री का जमाई था, किसी क्लर्क का बेटा नहीं। पुलिस चप्पा चप्पा छान रही है, अगर शेरा पकड़ा गया उसने अपनी जबान खोल दी तो सीधा। राय साहब आप तो यूं ही डरे जा रहे हो। शेरा 5 लाख जरूर लेता है, पर जबान का बहुत पक्का है। वो कहता है अगर मैं पकड़ा गया तो सारा इल्जाम अपने ऊपर लूंगा। और तू पुलिस की मार को नहीं जानता, बड़े बड़े बक देते हैं। क्यों भी क्या हुआ, इसे क्यों मार रहे हो? जनाब ये दारू पी के आपको गालियां निकाल रहा था, वैसे ले जाओ अंदर। चलो गालियां निकालता साहब बहादुर को ये। मुझे ये समझ नहीं आता कि थाने के नजदीक जो गैर कानूनी शराब के अड्डे हैं बंद क्यों नहीं करवाते। जनाब काहे को बंद करवाना है ये दारू के अड्डे, इन गैर कानूनी धंधों की वजह से तो इज्जत है हमारी। हाँ तो फिर इज्जत बरकरार रखने के लिए छापे पड़ते रहने चाहिए। जनाब अगर ये बात है तो छापे पड़ गए समझो। छापे मारो, देखते क्या हो। हैं जी। ओ हाँ ये पब्लिक प्लेस पर बैठकर सरेआम शराब पी जा रही है। मैं तो अरे चलो चलो थाने चलो, सब पता चलेगा। अरे तुम चलो तो सही ना। चलो मैं कह रहा हूँ ना, अरे चलो थाने चलो। सर सर ये सर सर 24 घंटे तो बहुत काम है जी, थोड़ी मोहलत। सर ठीक है सर। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोको रोको रोको, गाड़ी गाड़ी रोक। सुनता नहीं तू, तलाशी दे अपनी। चाकू जनाब, चाकू निकला इसके झोले से। चाकू ओए मैं तो भेज दूं पढ़ने। किसका कत्ल करके आई है सरकार? जनाब मैं तो मजदूर आदमी हूँ जनाब। ओए मजदूर आदमी को तो रोटी के लाड़े पड़े रहते हैं, ये चाकू सेब काटने को रखा है? जनाब मेरा तो काम है चाकू छुरियां तेज करना। दिन में चाकू तेज करना और रात को लोगों की हड्डियां। अच्छा ये बताओ पढ़े कहाँ तक हो? जी 7वीं क्लास तक। सिर्फ 7वीं तक? हवलदार जी जनाब, कस के 2 थप्पड़ मार इसके। ए जनाब दो ही क्यों? एक मैंने मार दिया, 2 तू मार दे। कम से कम इसकी 10 क्लासें तो पूरी कर ही दे। ओए सच सच बता दे, नहीं मैं तो भेज दूंगा पढ़ने। जनाब जनाब मुझे लगता है कत्ल इसने नहीं किया। ना तुम कोई ज्योतिषी हो? जनाब मेरा दिमाग कहता है। ओए तू हवलदार मैं थानेदार, तेरा दिमाग मुझसे कुछ ज्यादा ही है। लगता तो कुछ ऐसी है। ओ तेरी सलाह किसने मांगी है? ले चलो इसे थाने। जनाब मैंने कोई कत्ल नहीं किया। जनाब कत्ल वाकई इसने नहीं किया। ओए तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि कत्ल गोली से हुआ है, चाकू से नहीं। सरकार का टाइम बर्बाद कर दिया, चल दबाओ यहाँ से। 24 घंटे में से 20 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक कातिल का कुछ पता नहीं चला। कितने शर्म की बात है, कितनी बेइज्जती की बात है। हेलो भट्टी साहब, क्या प्रोग्रेस है? सर 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 क्लू मिल गए हैं जी, बस किसी वक्त भी कातिल पकड़ा जा सकता है जी। भाई जल्दी करो, इस केस में ढील नहीं होनी चाहिए, ऊपर से बहुत प्रेशर है। डोंट वरी सर। ओके जी, जिस पे भी शक पड़ता है सख्ती से पेश आओ।
जनाब आपके तो इलाके में दहशत ही बहुत है, जिसे भी घूर के देख लेंगे अपने आप मान जाएगा। है जी, जितना कम टाइम रह गया लगता है किसी ना किसी को तो मनाना ही पड़ेगा। तेरा तो बाप भी मानेगा कि कत्ल तूने ही किया है। मैं सच कहता हूं, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। कोई? जय माता दी, तू तो भी कई कत्ल मानेगा और मुझे कत्ल मनवाने आते हैं। सर हुकुम के मुताबिक हमने 23 घंटे 55 मिनट के अंदर मुजरिम गिरफ्तार कर लिया और वो मान भी गया कि कत्ल उसने किया सर। वेरी गुड वेरी गुड, मुझे फक्र है आप जैसे अफसरों पर। अगर बाकी सारे अफसर भी आपकी तरह काम करने लग पड़े तो हमारा पुलिस महकमा दुनिया का नंबर वन महकमा बन जाए। सर जब तक आपका हाथ मेरे सर पे है मैं तो 5 मिनट में किसी को भी मुजरिम बना सकता हूँ जी। क्या मतलब? अब मेरा मतलब कि आप ऐसे मंत्री हैं कि कोई भी काम 5 मिनट के अंदर करवा सकते हैं। वैसे मिस्टर भट्टी, ये कातिल है कौन? सर कोई रोशनलाल है जी। नहीं शेरा जी, तो लोकनाथ का खूनी रोशनलाल नहीं है, ये खून मैंने खुद किया है, मैंने आप गोली चलाई है। फिर अखबार में रोशनलाल की फोटो कैसे छप गई सोनिया? अखबार वालों को गलती लगी होगी। आप मेरा यकीन करो शेरा जी, कत्ल मैंने आप किया है और नाम किसी और का लग गया। ओए बिल्लू के बकरे, हम ये काम क्यों करते हैं? क्यों करते हैं ये काम? ताकि हमारा नाम हो। काम हम करें और नाम दूसरे ग्रोह का लग जाए, फिर हमारा ग्रोह तो टूट जाएगा ना। ना तो मुझे ये बता, इस अखबार में रोशनलाल की फोटो कैसे छपी है? हो सकता है सर कि अखबार वालों के पास मेरी फोटो ही ना हो। है? इस कत्ल का मुझे 5 लाख रुपया मिलना था, 5 लाख रुपया मिलना था मुझे। अब पैसा तेरा बाप ने क्या आएगा? पैसे तो मिल जाएंगे सर, क्योंकि कत्ल मैंने खुद किया है। आखिर मैं अभी पैसे लेके आता हूँ। हाँ। पेमेंट? पेमेंट कैसी? बाकी के 2.5 लाख। भाई पेमेंट उसकी होती है जो काम करे। तू पहले 2.5 लाख जो एडवांस लिए थे 3 दिन के अंदर अंदर वापस कर। बजाज साहब आपको अच्छी तरह पता है कि तरलोक को गोली मैंने मारी है। पर अखबार में तो फोटो किसी और की छपी है। अखबार वालों को गलती लगी है। हाँ तो अखबार वालों से बात कर, मुझसे बैंगन लेने आया है। कोई बात नहीं बहन जी, छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं। वो जो हमारा 8 नंबर का पेज है ना, वो होता ही माफी मांगने का है। कल ऐसा करेंगे, आपके बच्चे की फोटो भी छाप देंगे और साथ में माफी भी छाप ही देंगे। एक माफी और छापनी पड़ेगी एडिटर साहब। आप कौन हो जनाब? बिल्लू बकरा, तलोकनाथ का असली कातिल, पर आपने फोटो रोशनलाल की छाप दी है। बड़ा अजीब आदमी है, क्रैक लगता है। ये तो गलत बात है, मेहनत कोई करे और फोटो किसी और की छपे। देखो जनाब, बात ऐसी है कि हमें जो पुलिस वालों ने फोटो दी हमने तो वही छाप दी। आप पुलिस वालों से पता करो जाके। सारी पुलिस को देख लूंगा। कमाल है, अजीब सा ही ऑफिस है, कोई कहता फोटो छाप दो, कोई कहता हटा दो। चल भाई, साहब ने बुलाया। वो हो जाएगा सर। तो ये तो अपना ही आदमी है। हाँ जी सर। 11 नंबर बाकी है ना? ये सर इसका भी हो गया। और नौ? बस यही है एक सर जो तंग कर रहा है बार बार। इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कोई नहीं सर, इसको भी हम देख लेंगे, कोई बात ही नहीं है इसका। हाँ जी, हाँ जी फरमाओ। साहब मैं फरियाद करने आया था कि रोशनलाल बेकसूर है। ना तुम उसके मामे लग जाओ। मैं उसका कुछ नहीं लगता सर, पर त्रिलोकनाथ का कत्ल शेरे के आदमियों ने किया है। शेरे के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं, मैं खुद शेरे का आदमी हूँ। ये खून किसी और ने नहीं, मैंने खुद किया। तो ये क्या मुसीबत आ गई, मुश्किल से हमने केस मेटा था। सर सख्ती से पेश आओ जी, ऐसे झूठ बोलता है ये। वो क्या नाम है तेरा? बिल्लू बकरा। ओए बिल्लू के बकरे, इस तरह का नाम रखने से कोई आदमी कातिल नहीं बन जाता। और कभी पिस्तौल की गोलियां गिनी है? एसएसपी साहब, ये मेरा पहला कत्ल था। इस कत्ल से शेरे के गिरोह में मेरी जगह पक्की होनी थी। ये कत्ल किसी और के नाम डाल के आपने आपने मेरी बेइज्जती की है। अजीब आदमी है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। और तू भूल नहीं सकता कत्ल तूने किया। एसएसपी साहब,
एक एक कत्ल से, एक एक वारदात से उस गिरोह का नाम ऊंचा होता है। लोगों के दिलों में उस गिरोह की दहशत पड़ती है। मैं कैसे भूल जाऊं सर, ये कत्ल मैंने अपने हाथों से किया सर। कोई ऐसे नहीं मानेगा, इसको चौकी नंबर 4 में ले जाकर इतना पीटो कि इसका रोम रोम कह उठे कि मैं कातिल नहीं शरीफ आदमी हूं। वैसे सरकार, ये हिस्ट्री में पहली मिसाल होगी कि किसी आदमी को शरीफ साबित करने के लिए पीटा गया हो, है जी? तब चलो ए, उठारो। हाँ जी। ओ, पीटने से कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? सर प्रॉब्लम तो होगी, ये तो पागल है, कुछ भी बकवास करता रहेगा, है जी? तो ऐसा करो, इसे आगरा के पागलखाने में भर्ती करवाओ। मैं पागल नहीं हूँ सर, मैं कातिल हूँ, कातिल। चलो चलो शाबाश। मैं पागल नहीं हूँ सर, मैं कातिल हूँ, कातिल। मैं पागल नहीं हूँ सर, मैं कातिल हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, और मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं पागल नहीं हूँ। बंदर बोले सच जो पागल, ओए पागल पागल पागल, उसका केस वीक है, माहौल ठीक 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 है, लेके चले है थाने, छोड़ दे गीत देश के गाने, पैसे पड़ेंगे तुझे खिलाने, भैया कह गए संत सियाने। आगे पीछे रब रखवाला, लगा ले मुंह पे ताला, मौज उड़ा ले खा ले तीतर, पीट पाट के कर दो भीतर, बड़े कनाडन फाटा, ओ पुल सिर मांड के काका, कल तक की तारीख है, माहौल ठीक है, माहौल ठीक है, माहौल ठीक है, माहौल ठीक है, कहेगा किसी को जाके, करेंगे हाल तेरा यूं आके, कहां फिरेगा मुंह को छुपा के, भाग ले तू भाई जान बचा के। जब कभी नाका लगाए, साधु चोर सब दिल से पढ़ाए, ऐरा गैरा कोई ना बोले, सब कुछ देख भी मुंह ना खोले, झूठ का सच बनाए, कानून तुझे समझाए, ये सरकारी रीत है, माहौल ठीक 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 है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है।
चलो बिस्मिल्ला तेरी जुगनी, भाई तारे आवे तेरी जुगनी, चन मक्खन आवे तेरी जुगनी, ओ जुगनी जा पहुंची, ओ जुगनी, ओ जुगनी जा पहुंची भगवाड़े, आशिक घूमे दिन दिहाड़े, हर कोई देख के आंखें, हर कोई देख के आंखें फाड़े, पुलिसिया चौक में कुड़िया, पुलिसिया चौक में कुड़िया ताड़े, जुगनी के आशिक सारे जी, SSPIGDGP, जुगनी के आशिक सारे जी, SSPIGDGP, हजूरी फंस गया मुर्गा वाह तंदूरी, माल पर आया खाए फिर भी करना शर्माए, समझो पैक नीट है, माहौल ठीक है, माहौल ठीक है, माहौल ठीक है, माहौल ठीक है, कहिए। आशा देवी जी यहीं रहते हैं? हाँ जी। मैं मिल सकता हूँ उनसे? आइए। नमस्ते। नमस्ते। ये रोशन लाल जी ने भेजा जी कुछ रुपए हैं, ये चिट्ठी है। पापा का खत है। पढ़ बेटा। मुझे माफ कर देना, मुझे ये कत्ल पैसों के लिए करना पड़ा, इन पैसों से सनी का इलाज करवा लेना, तुम्हारा लाचार रोशन लाल। नहीं नहीं चाहिए मुझे ये पैसे, जिन पे किसी के खून के छींटे पड़े हो, ले पकड़, ले जा इनको वापस। ठहराई लक्ष्मी को ठुकराया नहीं जाता, तुम्हारे बच्चे के इलाज के काम आएंगे। तुम अपने पैसे वापस ले जाओ, अगर हमारे सनी की किस्मत अच्छी हुई तो कोई ना कोई जरिया निकल ही आएगा। अच्छा, इसका मतलब किरण के पापा ने खून मजबूरी में किया, पर सनी के इलाज के लिए अगर उन्हें पैसों की जरूरत थी तो किरण ने मुझसे बात क्यों नहीं की? क्या बात करती, लोगों के आगे अपनी गरीबी का ढिंढोरा पीटती कि छोटे भाई के इलाज के लिए उसके बाप के पास पैसे नहीं है। लोगों का क्या मतलब, मैं तो कब से उसे अपना, मेरे ख्याल से वो ही मुझे अपना नहीं समझती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गरीब आदमी कुछ भी हो अपनी इज्जत की खातिर अपनी गरीबी पे पर्दा डाल लेता है। ओहो, ऐसे पर्दे का क्या फायदा जिसकी वजह से एक मासूम जान सूली पे अटकी रहे। खैर, आप ऐसे कीजिए, सनी को लेके चंडीगढ़ पहुंचिए, पैसों का बंदोबस्त मैं कर देता हूं। आइए आइए, वेलकम मैडम, वेलकम, बैठिए 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 प्लीज। सबसे पहले तो मैं इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरे पीए को माफ कर दिया। पीए को माफ? उस दिन मैं पीए की गलती से तो आउट हुआ था, ससुरे ने कोक में मिला के 2-3 मोटे बैग पिला दिए और मुझे आपकी उम्र 16-17 साल की लगने लगी। वैसे मेरी उम्र इतनी ज्यादा भी नहीं। कौन कहता तुम्हारी उम्र ज्यादा, अंदर करवा देंगे 5-7 दिन के लिए। सचमुच में आपको बहुत खूबसूरत लगी उस दिन। अजी मैडम, उस दिन क्या शराब थी, क्या शबाब। सर, मर्डर वाले केस की तारीख कल की पड़ गई, मर्डर कर दिया सारे माहौल का। सॉरी जनाब। और मैडम कैसे आना हुआ जी आज? एक्चुअली मेरा एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चोरी हो गया है। भाई इन्हें कलर टीवी दिलवा दो। है जी? पर मेरा टीवी तो ब्लैक एंड व्हाइट था। चलिए ब्लैक एंड व्हाइट दिलवा देते हैं। आप इतनी जल्दी चोर को पकड़ लेंगे? मैडम हम तो 24 घंटे में कातिल पकड़ लें, ये टीवी चोर क्या चीज है जी। रोशन लाल ने जिस बेदर्दी से पैसों के लिए त्रिलोकनाथ का कत्ल किया वो बड़ी शर्मनाक बात है।
मिलोर्ड माना के रोशनलाल को अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, पर इसका यह मतलब नहीं कि राह चलते को लूटने की कोशिश करो, बल्कि उसका कत्ल कर दो। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इसे बड़ी से बड़ी सजा मिले, ताकि दूसरे लुटेरे डाकुओं को आगे से सबक मिल जाए। रोशनलाल, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जसब, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जनाब, मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो कुछ भी कहना है कटहरे में आके कहो। सरकार माई बाप, यह कत्ल रोशनलाल ने नहीं, मैंने किया है। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। मिलोर्ड, यह आदमी पागल खाने से भागा हुआ एक पागल है। आप इसका रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं। नहीं सरकार, नहीं, मैं पागल नहीं, मैं कातिल हूं, कातिल। इस केस की इंक्वायरी की जाए, अदालत अगली कार्रवाई तक मुलतवी की जाती है। शाबाश बिल्लू बकरे, और हमारी तो तूने इज्जत मिट्टी में मिला दी। एक जमाना था हमारे ग्रोह से लोग थर थर कांपते थे, और आज आज हम पर लोग हंसते हैं, और तूने तो हमारी नाक कटवा दी। सोनिया, शेरा जी, अगर आज मेरे कारण आपकी नाक कटी है तो मेरे कारण आपकी नाक ऊंची भी होगी। ओए, अब तू कौन से झंडे झुलाएगा? झंडे झुलाऊंगा नहीं, झंडे झुकाऊंगा। कल 5:30 बजे जब SSP अपने घर जा रहा होगा, उसकी गाड़ी उड़ा दूंगा। ओए बस करो तू। 5:15 बज गए। बेकार टाइम गुजारना कितना मुश्किल है जी। अब क्या मतलब? अब मेरा मतलब जनाब, बेकार लोग पता नहीं कैसे टाइम गुजार लेते हैं। जनाब के पास काम ना हो तो टाइम ही नहीं गुजरता है जी। ओ यार, मेरी गाड़ी लगवाओ, साथ में सिक्योरिटी वाली जीप। सिक्योरिटी? जनाब सिक्योरिटी तो जनाब के घर घास को पानी लगाने गई है। अब मेरी गाड़ी में 2 गार्ड बिठा लो। चलो शाबाश जनाब। अरे जोर लगाओ, खाने पीने को शेर है ये। यार 1 महीने से रोज तुम गाड़ी को धक्का लगवा रहे होते, ठीक क्यों नहीं करवाते? और सर कोई खास प्रॉब्लम नहीं जी, मैकेनिक को 4 थप्पड़ लगाने पड़ेंगे बस। यार हर काम थप्पड़ से, कोई काम टेक्निकली भी कर लिया करो। टेक्निकली तो जनाब फिर महीने से ट्राई कर ही रहे हैं। अब स्टार्ट जनाब। ए क्लास अफसर और गाड़ी सी क्लास लॉट की हुई है, काम करने वालों की अपने मुल्क में इज्जत ही नहीं। एंड टाइम पर बाकी कम बम कर अपन चले। जनाब गाड़ी बंद होगी, फिर धक्का लगाना पड़ेगा। तो उतरो, फिर सोच क्या रहे हो? चलो शावर, चलो चलो जल्दी। क्या झगड़ा गाड़ी यार, रोज रोज धक्के करवाओ। ठीक है, एक बार खत्म करो। सरकारी गाड़ी की जिंदगी भी क्या जिंदगी है, पंक्चर, बैटरी डाउन, धक्के। बच गई यार। हेलो, हाँ जी, अभी अभी मैंने एक पुलिस की गाड़ी उड़ाई है, इस काम की जिम्मेदारी मैं अपने सिर लेता हूँ। ग्रुप का नाम? हमारे ग्रुप का नाम बच्चा बच्चा जानता है। ग्रुप का नाम नोट करो एडिटर साहब। किक्कर सिंह ताली वाला का दो। ग्रुप का नाम नोट करो एडिटर साहब, किक्कर सिंह ताली वाले का ग्रुप। ये तो सरासर मेरे साथ धोखा है। गाड़ी मैंने उड़ाई है और नाम आप किसी ताली वाले का ले रहे हो। ओ गाड़ी हमारी, जिसका मर्जी नाम ले। मार निकालता है इसका भूत साहब। भाई सर, सर वो प्रिंसिपल मैडम खुदा ही थे? नहीं सर, उनका फोन आया था जी। क्या पूछ रहे थे? सर वो टीवी के बारे में पूछ रहे थे जी। कोई बात नहीं, देख लेंगे। चलो तुम। जी सर। जनाब फिर टीवी का क्या कहना है उनको? मेरे ख्याल उन्हें फोन करके इतना तो कह ही दो ना कि टीवी चोरी करने वाला गैंग पकड़ा गया। गैंग जी? मैं समझा नहीं। समझना कि 4 दिन बिल्लू बकरे को इसी केस में अंदर रखो और छोड़ दो,
हाँ जी सर। हाँ जी क्या फोन करो जनाब। ना तू तो कहता था मैं बम मार के एसएसपी की गाड़ी उड़ा दूंगा। अरे कभी तू जेबें काटता पकड़ा जाता है, कभी तू टीवी चोरी करता अंदर हो जाता है, ना लोग अब हमें टीवी चोर के छिड़ा करेंगे। मेरा यकीन करो सर, गाड़ी मैंने ही उड़ाई थी। ओ बकवास बंद कर बकरे। जनाब आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो बिल्लू बकरा अगर इसी तरह बोलता रहा तो एक दिन हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। हाँ जनाब, उसका मुंह तो बंद करना ही पड़ेगा। तो फिर देर किस बात की है, पंडित से मुहूर्त निकलवाना है क्या? मैंने तो उसे पैसे देने की भी कोशिश की थी जनाब, पर वो कहता है कि मेरी इज्जत का सवाल है, जब तक कत्ल का सेहरा उसके सर नहीं बांधा जाएगा वो कहता है मैं चुप करके नहीं बैठूंगा। ये प्रॉब्लम तूने खड़ी की है, न त्रिलोकनाथ का कत्ल होता नहीं ये मुसीबत होती। जनाब मैं तो आपका मैनेजर हूँ, आपका नमक खाया है, मैंने ये सारा काम आपकी भलाई के लिए किया था। ओए अच्छी भलाई की है, मेरा आधा ध्यान बिजनेस से हटकर बिल्लू बकरे की तरफ रहता है, पता नहीं अदालत में जाकर वो क्या बोलते। जनाब बोलेगा तो तब, जब मैं उसे बोलने लायक छोड़ूंगा। जनाब फिक्र मत करो, बखेड़ा मैंने ही डाला है, मैं ही निपटूंगा। पंगा ही पड़ गया, पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विक्की मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे पापा खून भी कर सकते हैं। किरण शक तो मुझे भी है, खासकर उस आदमी पे जो अपने आप को कातिल कह रहा है। पर वो तो पागल है। असलियत का पता तो उसी से लग सकता। बिल्लू बकरा जी यहीं रहते? तुम काम बताओ। एक कत्ल करवाना। मुझसे कत्ल? मुझे पता था एक दिन मेरी मानता जरूर होगी। किसकी गर्दन मरोड़नी है? पहले कभी किसी आदमी का कत्ल किया है? त्रिलोकनाथ का कत्ल मैंने ही तो किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, पर बकरा जी आपको क्या जरूरत थी? जरूरत तो उन्हें थी लाले, जिनसे दुश्मनी थी। ये दुश्मनी कैसी थी जनाब? वो भी बता देंगे तुझे। वो भी बता। साले, पर यार समझ नहीं आया ये बंदे कौन थे। बंदे जो भी हों, ये सबूत मिटाना चाहते थे कि असली कातिल कौन है। ये क्या हुआ बजाज साहब? कुछ नहीं, जरा बाथरूम में नहाते हुए फिसल गया था। जरा ध्यान से नहाया करो बजाज साहब। वो तो ठीक है। राय साहब अंदर है? हाँ अंदर है। नमस्ते राय साहब। ओए मैं तुम्हें ही फोन कर रहा था। ये हाथ कहाँ से तोड़वा लाया? मैं वो मिशन पे गया था ना जी, पर और जाने से पहले फिसल गए। नहीं पहुंच तो ठिकाने पे गया था। वो बिल्लू है ना जी, उसके साथ एक आदमी था, वो 6 आदमियों के बराबर था। ये लो भैया गर्मा गर्म चाय। ओए तूने क्यों तकलीफ की? गुल्लू कहाँ चला गया? उसे मैंने जरा बाजार भेजा। कभी कभी छोटों को भी काम करना चाहिए। सॉरी बजाज, ये कत्ल मेरे दिल पे बहुत बोझ बना हुआ है। अगर बिल्लू का सफाया हो जाता तो ये बोझ भी दिमाग से उतर जाता, और रोशनलाल ने जेल में कहीं मर मरा जाना था।
और एक के बाद एक तू किसी मुसीबत में तो नहीं फंसा रहा? आप क्यों फिक्र करते हो जनाब, आप पर जान देने के लिए हम जो बैठे हैं। पापा ये सब कैसे हो गया? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं कातिल हूं, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। आप अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के कहो कि कत्ल आपने किया है। पापा आपको अपने सैनिक की कसम, सच सच बताओ। सच तो यह है कि मुझे सनी के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने मजबूरन कत्ल का इकबाल किया। मैंने कत्ल किया नहीं। आप अदालत में सब सच सच कह दो, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे की जान बचाने। सनी के इलाज की जिम्मेदारी मेरी है। बेटे तुम मुझे अपना ही बेटा समझो। मैं किरण को अपना बनाना चाहता हूँ और किरण भी मुझे पसंद करती है। हाँ पापा, विक्की बहुत अच्छे वकील हैं, यही आपका केस लड़ेंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप बस अदालत में अपना बयान दे दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। चलें किरण, केस भी तैयार करना है। चलते हैं। जज साहब, अगर मुझे अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे ना चाहिए होते तो मैं अपनी गरीबी को फक्र से काटता रहता। कत्ल का सहरा मैंने अपने सर इसलिए बांधा कि मैं अपने बेटे पर कफन नहीं देखना चाहता था। जज साहब, साफ जाहिर है कि कत्ल रोशनलाल ने नहीं किया। पुलिस ने इसकी मजबूरी का फायदा उठाया। त्रिलोकनाथ का असली कत्ल करवाने वाला कोई और है। आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड, ये मुजरिम को बचाने की कोशिश की जा रही है। मेरे काबिल दोस्त वकील साहब ये बात किस बिना पर कह रहे हैं कि कत्ल करवाने वाला कोई और है? इनके पास कोई सबूत है या फिर ख्याली पुलाव बनाकर ये अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं? मेरे पास सबूत है मिलॉर्ड, ये कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई राजा राइस मिल के मालिक इंद्रजीत राय ने करवाया। आपके पास कोई सबूत है? मेरे पास ये टेप है जज साहब, जिसमें इंद्रजीत ने कबूल किया कि कत्ल उसने करवाया। आपके पास ये टेप कैसे आ गई? शक तो मुझे पहले से ही था। एक दिन इंद्रजीत जब अपने मैनेजर बजाज के साथ कत्ल के बारे में बात कर रहा था तो मैं चाय देने के बहाने अंदर गया और टेप रिकॉर्डर गुलदस्ते में छुपा आया। इंद्रजीत को वारंट भेजकर अदालत में 7 तारीख तक पेश किया जाए, तब तक यह अदालत अगली कार्रवाई के लिए बर्खास्त की जाती है। ज्यादा हवा में उड़ रहा। नया नया जवान हुआ ना साहब बहादुर, पर अगर ये मुकदमा जीत गया ना जी, फेजती बहुत होगी, फंस भी सकते हैं सर। इसका बंदोबस्त करना ही पड़ेगा जनाब। गुल्लू। हाँ जी। इंद्र कहाँ है? जरा तमीज से बात करो जी। तेरे साथ? मतलब इंद्र के साथ भैया लगा लेते तो। भैया होगा तेरा, कहाँ है वो? देखो जी, फार्म हाउस पे तो है नहीं ना। घर पे भी नहीं है। खैर जाएगा कहाँ? हाँ जी हेलो। अच्छा सनी का ऑपरेशन हो गया है, आप जल्दी आ जाओ। मैं नहीं आ सकता, मैं इंद्र को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। वो तो यही है अस्पताल में। ठीक है, उसे किसी तरह रोक के रखना, मैं अभी आ रहा हूँ, पुलिस भी पहुँच रही होगी। साहब बहादुर, ये निकले तो बड़े फिल्मी स्टाइल से करेंगे कुछ।
जनाब क्या बात कर दी, हीरा ग्रुप के आदमी है जी। वो अपने गाने बजाने वाले वो साहब बहादुर, हीरा बदमाश 13 कत्लों वाला। अच्छा अच्छा। यार ये बंदे चार थे, तीन ही दिख रहे हैं। एक गिर गया जनाब। चलो तीन तो हैं। वो ये कुछ खा पी गए या वैसे ही है, एक और झड़ गया। ओ इसे तो दो ही काफी है साहब बहादुर। बैठे गाड़ी में क्यों जनाब, बाहर ठंड लग रही। बंदा एक ही रह गया उधर। वो तो एक ही चार के बराबर है जनाब। बाकी भी तीन बरार में आए थे। नहीं साहब बहादुर, वो तो उसकी हौसला अफजाई के लिए वैसे ही साथ आ गए जी। छोरे ने तो बना दिए तेरे हीरे ग्रुप के कोयले। जनाब फिर निकालो अपना हुक्म का इक्का। ओ इधर नहीं उधर। लो जनाब आप देखते हैं आपके हुक्म के इक्के की करामात। बाबा क्या बात, क्या ड्राया लड़के ने कमाल कर दी जी। ओ क्या मुक्का मारा सर, सर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या किक लगाई लड़के ने, कमाल कर दी। तुझे साफ दिखाई दे रहा है, मुझे तो सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। सर क्या कह रहे हो, देखो ध्यान से, उसने टांग घुमा दी। ओहो सर उसके सर पे मार दी। क्या मारी उसका, तो बूट उतार लिया। वो तो उतार लिया जी। मेरा बूट देख के जी। आम गुंडे की जिंदगी भी क्या जिंदगी है, दुख तकलीफें धक्के। साहब बहादुर आप SSP हो, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं जी। चलाओ जनाब चलाओ। वो चलाते क्यों नहीं यार, इसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका। ओ जनाब पहले कौन सा कानूनी काम कर रहे, ये मेरे वाली चला लो, मारो। कौन है? वो आई जी साहब। सर सर आपका निशाना कैसे चूक गया जी, मुजरिम तो उधर है और गोली। मेरा निशाना कभी गलत नहीं होता, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि जिस दिन मेरा निशाना लगेगा ठीक जगह लगेगा। वैसे देख लो सर, आपको तो अच्छी तरह पता है कि मैं होम मिनिस्टर साहब का बंदा हूँ। अगर तुम होम मिनिस्टर के बंदे हो ना, तो मैं प्राइम मिनिस्टर का बंदा हूँ। चलो पकड़ो इन्हें, ले जाओ। यार कमाला यार। सुखी इंदर का? वो 23 नंबर कमरे में है। पुलिस पहुंच गई? हाँ। शुक्र है, असली कत्ल करवाने वाला पकड़ा गया। सनी कहाँ? वो उसे अगले कमरे में है। चलो उसे देख के आए। ओ मैं दवाई भूल गई विक्की। हाँ? इंदर भैया से नहीं मिलना? उसे मिलके क्या लेना, मुझे तो शर्म आती है अपने आप को एक कातिल का भाई कहलाते हुए। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी जगह रोशन लाल जैसा शरीफ आदमी पुलिस का जुल्म सह रहा होगा। विक्की तुम एक कातिल के भाई नहीं बल्कि एक ऐसे देवता के भाई हो जिसने अपना गुर्दा देके किसी और की जान बचाई है। ये क्या कह रही हो तुम? इंदर भैया ने ही अपना गुर्दा देके सनी की जान बचाई है। अच्छा प्लीज। भैया विक्की, आज मैं तुमसे आंख उठाकर बात कर सकता हूं। अगर मेरी गलती से एक जान गई थी तो एक जान बचा के मैंने अपनी भूल का प्रायश्चित किया है। भैया भैया मुझे माफ कर दो, मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा। मैं पहले ही कहती थी ना कि इंदर दिल का राजा है राजा। मुझे सजा होगी, मुझे इस बात की परवाह नहीं, पर मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा भाई विक्की अपनी वकालत का
पहला केस जीत लेगा। केस तो ये पहले ही जीत चुका है। असली खुशी तो मुझे तब होगी जब एसएसपी अंदर होगा। सर मैंने सुना जेल में मच्छर ही बहुत होते हैं। वो तो है। सर मैंने तो ये भी सुना है कि जेल में कच्ची पक्की रोटी देते हैं खाने को। हाँ ये तो है। सर एक बात और भी सुनी है मैंने जेल के बारे में। क्या सुना सुना लगा रखा है यार, सब कुछ पता तो है हमें। जो भी कहो जनाब, एक आम कैदी की जिंदगी भी क्या जिंदगी है, दुख तकलीफ है थक्के। ओ आम कैदी नहीं है। हाँ जनाब आपका तो फ्यूचर ही बहुत ब्राइट है, वो देखो। हेलो। मुझे पूरा यकीन था कि आप इस मौके पे जरूर आएंगी। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरा दिल एक ऐसे करप्ट पुलिस अफसर पे आया जो जेल जा रहा है। तुम फिक्र ना करो, बाहर आके मैं एक बदला हुआ इंसान होऊंगा। अच्छा। बल्कि बाहर आके हम दोनों शादी करेंगे और एक बहुत बड़े सरकारी बंगले में रहा करेंगे। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने बाहर आके आईजी बनना हो। लो आईजी तो चीज ही क्या है, बाहर आके हम बनेंगे लीडर, इलेक्शन जीत के सीधे होम मिनिस्टर। चलो चलो बड़े आए लीडर बने, चलो अंदर चलो। जिंद माई लेके चले हैं थाने, छोड़ दे गीत देश के गाने, पैसे पड़ेंगे तुझे खिलाने, भैया कह गए संत सियाने। आगे पीछे रब रखवाला, लगा ले मुंह पे ताला, मौज उड़ा ले खा ले तीतर, पीट पाट के कर दो भीतर। बड़े गंदा नफाका ओ पुल सिर मान के काका, कल तक की तारीख है, माहौल ठीक 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 है, ठीक ठाक ठीक ठाक है, माहौल ठीक है, ठीक ठाक ठीक ठाक ठीक ठाक है। जिंदुआ जो तू, जिंदुआ जो तू, जिंदुआ जो तू, जिंदुआ जो तू, जिंदुआ कहेगा किसी को जाके, करेंगे हाल तेरा यूं आके, कहां फिरेगा मुंह को छुपा के, भाग ले तू भाई जान बचा के।